मुखेड़ द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय मुखेड तथा च वैश्विक संस्कृत मंच महाराष्ट्र प्रांत एतयो हो अनयो हो द्वारा एतत् अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जालीय चर्चा सत्र आयोजित एकलारे महोदयस्य कृते अहं वदामि। अहम एक डॉक्टर एकलारे चंद्रकांत महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय सहायक प्राध्यापक अस्मि। अद्य एतत् चर्चा सत्रस्य सूत्रसंचलनस्य शुभावसरः प्राप्तवान्। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनश्च एकवारं सुस्वागतम्। एतत् वेबिनारस्य विषयः अस्ति शारीरिक तथा मानसिक समस्या योगशास्त्रस्य भूमिका। वेबिनारस्य आरम्भः राष्ट्रगीतेन वर्तते। अहं सर्वान् प्रार्थयामि राष्ट्रगीत समय स्वस्व स्थाने उत्तिष्ठन्तु तथा राष्ट्रगीतं गायन्तु। माननीय डॉक्टर प्रसाद जोशी सर, चालू। एक लरी से जॉइन झालं। राष्ट्रगीत सुरू कर सर। राष्ट्रगीत सुरू कर सर। एक लरी सर, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल रंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल जागे शुभ आशीष गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जन हे भारत विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। ग्रेट विश्राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय। सभी मान्यवरों का मैं सरहृदय से सर स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम जो आज के इस समारोह के लिए जो उपस्थित है हमारे अध्यक्ष जो श्रीमान श्रीकांत जी पाटिल हंगरकेकर साहब अध्यक्ष वीरभद्र शिक्षा संस्था मुखेड़ और उद्घाटक के रूप में उपस्थित माननीय डॉक्टर श्रीयुत जोगेंद्र सिंह जी बिशेन सर कुलगुरु स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड और मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्रीयुत सी राधा किशन जी इनिमेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन मॉरिशियस से है। प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर सोमलता झाजी इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस एंड होलिस्टिक हेल्थ स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी जॉली ग्रैंड देहरादून से है। और दूसरे है माननीय डॉक्टर अमरजीत जी यादव को ऑर्डिनेटर फैकल्टी ऑफ योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। और इस जो समारोह के लिए जो वैश्विक संस्कृत मंच है और उसके वो जो सेक्रेटरी है जीएसएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एनएनएम मिलिट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है माननीय डॉक्टर राजेश कुमार जी मिश्रा। और हमारे संस्था के सम्माननीय पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है जिनमें माननीय श्रीयुत सुभाष अप्पाजी शुपोजी साहब उपाध्यक्ष वीरभद्र शिक्षा संस्था मुखेड़ और माननीय श्रीयुत रंजित जी पाटिल हंगरकेकर साहब सचिव वीरभद्र शिक्षा संस्था मुखेड़ माननीय श्रीयुत शंकरराव जी बसापुरे साहब सहसचिव
वीरभद्र शिक्षा संस्था मुखेड़ और माननीय श्रीयुत ओमकार अप्पाजी मठपति साहब कोषाध्यक्ष वीरभद्र शिक्षा संस्था मुखेड़ और हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस बी अड़किने सर, इन सभी मान्यवरों का मैं संस्कृत विभाग की ओर से और वैश्विक संस्कृत मंच की ओर से मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। और इस समारोह को आरंभ करने से पूर्व जो सर्वप्रथम मंगल गान के बिना कोई कार्य मंगल संभव नहीं है और मंगल गान के लिए या मंगल चरण गाने के लिए मैं जो दत्तात्रेय देशपांडे और योगेश कुलकर्णी ये दो ऋग्वेद पारंगत छात्र रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय नांदेड़ के एमए संस्कृत विषय के वे द्वितीय वर्ष के छात्र है, तेलंगाना वेद प्रवर्धक सभा आयोजित ऋग्वेद क्रम पाठ परीक्षा 2021 में प्रथम सर अनम्यूट योरसेल्फ सर कार्यक्रमारंभे मंगलचरण गायनार्थम दत्तात्रेय देशपांडे योगेश कुलकर्णी निवेदयामि मंगलचरण। हरि ओम आतो न इंद्र कुंदन चित्रम महास्ति दक्षिणेना विद्महित्वा तु विकूर्मिन्तु विदेष्णन्तु विमोघम् तु विमा प्रता सोदिच्छन्तम् भीमन्नगां वारयन्ते एतोन्मिन्द्रंस्तवामेषानं वस्वस्वराजम् नराधो सामर्धिषन्नः प्रस्तोद्रवच्चामीयमानम् अभिहत आनो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रमृषा इन्द्रमानो वसोर्निर्भा वक्रमस्वाभरदृषदा दृष्णो जनानाम् रदाशूष्टरस्य वेदाः इन्द्र यौनुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनुत्वः अस्माभिः सुदंसनुहि सद्योजुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः वशयेश्चमक्षूजरन्ते ॐ स्वस्ति। धन्यवादः। हेलो, धन्यवाद। अस्माकं महाविद्यालयस्य संस्कृत विभाग प्रमुख एवं कार्यक्रमस्य आयोजकः डॉक्टर धनंजय काहलेकर महोदयान प्रास्ताविकार्थ आह्वयामि। डॉक्टर धनंजय काहलेकर सर, धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो अद्य संस्कृत विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय मुखेड तथा च वैश्विक संस्कृत मंच एतयोः द्वारा शारीरिक तथा मानसिक समस्यायां योगशास्त्रस्य भूमिका इति विषये अंतरराष्ट्रीय अंतर्जालीय चर्चा सत्र आयोजितम्। एतस्मिन् कार्यक्रमस्य उद्घाटन समारोह प्रसंगे उपस्थितः कार्यक्रमस्य अध्यक्षः माननीय सिद्धांत जी पाटील हंगरगेकर महोदयः, अध्यक्षः वीरभद्र शिक्षण संस्था मुखेड, उद्घाटक तथा प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर जोगेन्द्र सिंह बिसेन महोदयः, प्रकुलगुरु स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ नांदेड, विशेष अतिथि डॉक्टर राधा किशन महोदय, आयुर्वेद तज्ञः वक्ता डॉक्टर सोमलता झा महोदया, वक्ता डॉक्टर अमरजीत
महोदय, माननीय सुभाष अप्पा शिवपूजे महोदय उपाध्यक्ष वीरभद्र शिक्षण संस्था मुखेड, माननीय श्री सुंदरगेकर महोदय सचिव वीरभद्र शिक्षण संस्था मुखेड, माननीय श्री शंकर राव बसापुरे महोदय सह सचिव वीरभद्र शिक्षण संस्था मुखेड, माननीय श्री ओंकार अप्पा मठपति महोदय कोषाध्यक्ष वीरभद्र शिक्षण संस्था मुखेड, प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवानंद अड़किने महोदय महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय मुखेड, डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा सचिव वैश्विक संस्कृत मंच दिल्ली, संस्कृत मंचस्य पदाधिकारिणः तथा च राष्ट्रीय कार्यकारिण्या सभासदाः तथा प्रांत कार्यकारिण्या सभासदाः, अभ्यास मंडलस्य अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत बिराजदार महोदय तथा च अध्यक्षाता भगिन्यश्च संशोधकाः छात्राश्च नमो नमः। महात्मा ज्योतिबा महाविद्यालय अति दुर्गम ग्रामीण भागे तथा वाड़ा तांडे आदि क्षेत्रेषु अस्ति, आदि क्षेत्रे अस्ति एषः महाविद्यालय। 1972 अस्मिन् मुखेड परिसरे कार्यरत अस्ति। अस्माकं महाविद्यालयस्य संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत दिन समारोह, श्रीमद् भगवद गीता पाठांत प्रतियोगिता, संस्कृत संभाषण वर्ग, जिला स्तरीय संस्कृत निबंध प्रतियोगिता, गीत गायन दिशु स्पर्धायाः प्रतिवर्षे आयोजनं भवति तथा राष्ट्रीय अंतर चर्चा सत्र आयोजितं करोत्। वैश्विक संस्कृत सर्वेषां कृते संशोधन कार्य तथा ज्ञान संवर्धन कार्य रुचिवर्धनस्य कार्यं सततं। अस्मिन् चर्चा सत्रे ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत, मॉरिशस आदि देशस्थ संस्कृत तज्ञः सहभागिनः सन्ति तथा च महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड आदि प्रांतस्य संस्कृत तज्ञः सहभागिनः सन्ति। एतत् महत् आनंदेन अहम् अत्र सहर्षेण वदामि। संपूर्ण विश्वम कोविड महामार्याः कारणे त्रस्ता अस्ति। काले सर्वे जनः स्वस्थ मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य विशेष रूपेण प्रयत्नं कुर्वन्ति। आयुष मंत्रालयस्य निर्देशानुसारेण देशजानां ग्रहणं तथा च शरीरस्य फुफ्फुस हृदयादि अवयवानां संवर्धनाय योगासनानि तथा व्यायामस्य महत्त्वं प्रसारमाध्यमैः द्वारा तज्ञ कथयन्ति। एतत् एव उद्देशेन एतत् चर्चा सत्र आयोजितं कृतम्। अस्य चर्चा सत्रस्य एतत् एव कार्यं वर्तते, अधिकाधिक जनान् मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यस्य प्राप्ति भवेत्। श्वः संस्कृतस्य महाकविः कालिदास दिन वर्तते। एतत् निमित्तेन सर्वेषां कृते शुभेच्छाः। अत्र अहं सर्वेषां उपस्थितानां तज्ञानां कृतज्ञ अस्मि। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर प्रस्तावना किया है और इस समारोह के मूल उद्देश्य को आप यहाँ पर सारे जो प्रमुख अतिथिगण है और प्रतिभागी है या जो को आपको यानी कि बहुत ही सुंदर तरीका यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अथ अहम महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्य डॉक्टर एस बी अड़किने जी महोदयाय स्वागत प्रभाषणाय तथा मार्गदर्शनाय प्रार्थयामि। डॉक्टर एस बी अड़किने सर जी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल वेबिनार ऑन द रोल ऑफ योगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ psychosomatic problems being collaborated on behalf of Virbhadra Education Society's Mahatma Jyotiba Phule Mahavidyalaya Mukhed Department and Global Sanskrit Forum
Maharashtra Prant. It is a pleasure to welcome Pro Vice Chancellor Honorable Dr. Jogendra Singh Bishen Sir of SRTM University Nanded to greet and grace this webinar with his immense knowledge in Sanskrit and Hindi. I also heartily welcome to the President of Virbhadra Education Societies, Honorable Sri Srikant Patil Angarekar Sir, for his valuable inspiration and time, and Honorable Vice President Sri Subhash Appa Shivpuja Sir, Secretary of Virbhadra Education Societies, Sri Ranjit Patil Angarekar, Co-Secretary Sri Shankar Rao Basapure Sir, Treasurer Sri Onkar Appa Matpati Sir, who all have continuously encouraged organizing such webinar. I also heartily welcome the Chief Speaker of the webinar, respected Dr. C. Radha Kisun, Dr. Amarjit Yadav Sir, and Dr. Somlata Jha, who are eminent in field of treatment of psychosomatic disorders with the help of yoga. I welcome Dr. Rajesh Kumar Mishra, the Secretary of Minister of Culture, Government of India. It is my pleasure to welcome and congratulate the head of Department of Sanskrit of my college, Dr. Gananjay Kalekar, who thought and wished to organize such a most valuable webinar during this dangerous COVID-19 pandemic. I also welcome to GSF core committee members, Professor Rajeshri Rathod, Dr. Vinay Kumar Upadhyay, Professor Pramila Bholkar, Dr. Akhilesh Sharma, Dr. Prashant Biradar, Dr. Yojana Kaulwar, Dr. Bansi Lavale, Dr. Manjushri, Dr. Shailesh Pawar, Ms. Piyusha Naik, and Dr. Anand Ratnaparkhe. I also welcome all the participants from all over India and abroad, and feel assured that they will seek invaluable therapeutic ideas over psychosomatic disorders that the being faced during this COVID-19 pandemic. Biochemical, social, and psychic parameters of health are determinant in psychosomatic disorders. Yoga therapy creates the and traces the importance of psychosomatic functioning. Yogic approaches have been successfully used in the management of many psychosomatic conditions such as asthma, hypertension, diabetes, cancer, heart attacks, anxiety, depressions, etc., to name a few. Besides these benefits, yoga practices increase awareness about oneself and of surrounding, and this is the basic reason behind engaging this webinar. Hope this webinar will prove to the milestone in gaining knowledge pertaining to these psychosomatic disorder problems with the distinguished speakers. I wish every luck to the speakers and the participants as well. Thank you. धन्यवाद सर, आपके नेतृत्व में यह सारा समारोह संपन्न होने जा रहा है, और आप जो हम
सारे आयोजकों पर आप विश्वास किए और इतना बड़ा कार्य हमें उठाने करने के लिए आप प्रेरणा देते हैं। और वर्तमान समय में कोरोना की जो महामारी है, जिस महामारी के कारण समय की भागदौड़ के साथ साथ हर इंसान की जिंदगी की गति भी रुक रही है, और ऐसे वातावरण में हर मनुष्य को एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की कैसी जरूरत है, इस समस्या को लेकर जो आज अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्जालीय जो वेबिनार यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और पुनः एक बार मैं संस्कृति विभाग की ओर से यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज के समारोह के लिए उद्घाटक के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में जो उपस्थित है हमारे मार्गदर्शक, जो सम्मानीय जो डॉक्टर जोगिंद्र सिंह जी बिशेन सर, प्र कुलगुरु स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, जिनके वाणी में माँ सरस्वती का वास है, जिनके कर्म में शौर्य वीरता साहस भरा कार्य है, जिनके सहचर्य में अपनेपन का वात्सल्य प्रेम स्नेह और सख्त नियम के पाबंद नारियल की तरह रहने वाले, और जिनका प्रशासन सुशासन की दिशा की ओर में दिशा की ओर एक सर्वोत्तम उदाहरण और आदर्श रहने वाले हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्थान और आदर्श गुरुवर्य डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिशेन सर जी, जो अस्तिना शुभावसरे माननीय डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिशेन महोदया प्र कुलगुरु स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनस्य उद्घोषणम् कृत्वा अस्माकं कृते मार्गदर्शन कुर्वन्तु। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी बिशेन सर नमस्कार। इस अंतर्जालीय वेबिनार में उपस्थित सम्मिलित आज के इस समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीकांत जी पाटिल, जिन महानुभावों का मार्गदर्शन यहाँ संपन्न होगा, जिसमें राधाकृष्ण जी, सोमलता जी झा, अमरजीत जी यादव, राजेश कुमार जी मिश्र, संस्था के सचिव रंजीत जी पाटिल, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे स्नेही मित्र अड़किने जी, संस्कृत विभाग के प्रमुख काहलेकर जी, विश्वविद्यालय संस्कृत अध्ययन मंडल के अध्यक्ष प्रशांत जी बिरादार, वैश्विक संस्कृत मंच के सभी पदाधिकारी, आज इस अवसर पर वीरभद्र शिक्षा संस्था संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर एवं संस्कृत वैश्विक मंच के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न होने जा रहे आज के इस वेबिनार का उद्घाटन की मैं उद्घोषणा यहाँ पर करता हूँ। काहलेकर जी ने कहा कि महाविद्यालय काफी ग्रामीण क्षेत्र में है, इलाका पिछड़ा हुआ है, लेकिन इलाका भले ही पिछड़ा हुआ हो, लेकिन वहां पर काम कर रहे सारे मेरे सहयोगी ये पिछड़े हुए नहीं हैं, ये पिछड़े हुए जन को आगे लाने में सहायभूत है, इसका मुझे पूरा विश्वास है और उस प्रकार से कार्य वहां पर चल रहा है। मैं ये इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि कोविड की इस महामारी ने सबके सामने बड़ी समस्याएं निर्माण की, लेकिन इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं देख रहा हूं कि पिछले विगत डेढ़ वर्ष में लगभग 3-4 वेबिनार संस्कृत विभाग की ओर से यहां पर संपन्न हुए हैं, और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसलिए मैं विभाग प्रमुख तथा उनके सभी सहयोगी प्रधानाचार्य एवं संस्था के सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वर्तमान समय में हम हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, जीवन में एक प्रकार की होड़ में सभी हम सभी सम्मिलित हुए हैं, और इस गतिशीलता में कई समस्याएं भी निर्माण हो रही हैं, और उन समस्याओं में वृद्धि इस कोविड महामारी के कारण और बढ़ गई है। कोविड के कारण सारे कामकाज की स्थिति बंद है, कुछ लोगों के रोजगार चले गए हैं,
शारीरिक व्याधियां बढ़ रही है, तो इन सारी चीजों का परिणाम मानसिक रूप में भी होना स्वाभाविक है। तो हमारी परंपरा ने ऐसे शारीरिक और मानसिक समस्याओं के लिए योगा के द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्था हमें प्रदान की गई है, उसे समझने की आज आवश्यकता है। केवल समझने की नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि समाज में एक मनोवृत्ति बढ़ रही है कि जो जो इस देश का है उसका हम त्याग कर रहे हैं, ऐसे कहने वाली एक पीढ़ी कहें या कुछ एक ग्रुप कहें, एक समूह कहें, समाज में पनप रहा है, बढ़ रहा है। ये सौभाग्य का विषय है कि अब उन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लाने के लिए भी दूसरी भी प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी देन क्या है। मतलब वर्तमान समय के संबंध में अगर हम सोचें तो विश्व में एक 3-4 विषय पर बड़ी बहस चल रही है, बड़े तेज गति से अध्ययन हो रहा है, जिसे आज कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस, प्रबंधन शास्त्र। मैं कहता हूं कि प्रबंधन शास्त्र के लिए विश्व में जो भी कुछ कहा जा रहा है, यदि हमने हमारे पुराण ग्रंथों को कुछ निकाला, भगवद गीता को निकाला, महाभारत को निकाला, यदि देखा, तो इसमें प्रबंधन शास्त्र, इससे बढ़िया दूसरा कोई प्रबंधन शास्त्र दुनिया में नहीं हो सकता। नीति की यदि हम बात करें तो रामायण से बड़ा कोई नीति का ग्रंथ नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि घर की मुर्गी दाल बराबर कहने की एक प्रवृत्ति समाज में बढ़ गई है, लेकिन उसमें अब सुधार हो रहा है, यह बड़ा सौभाग्य का विषय है। और इसी श्रृंखला में एक विषय आता है, वह है योगा। लेकिन ये बात सामने आ गई कि 2015 के बाद विश्व ने इसको स्वीकार भी किया, 15-16 के बाद, और आज बड़े विशाल मात्रा में इसका प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। और उसी प्रचार और प्रसार में एक योगदान देने के लिए इस वेबिनार का आयोजन वैश्विक संस्कृत मंच एवं महात्मा फुले महाविद्यालय ने किया, इसलिए ये दोनों भी संगठन, महाविद्यालय तथा वैश्विक संस्कृत मंच, ये बधाई के पात्र है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, विभाग का भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जो महानुभाव अपना मंतव्य देंगे, ये सारे प्रतिभागियों के लिए, केवल प्रतिभागियों के लिए ही नहीं बल्कि सारे समाज के लिए, न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि विश्व के लिए वह मार्गदर्शक होगा, जिसके माध्यम से हमारे सारी मानसिक स्थिति जिसके कारण ठीक होगी, फिर शारीरिक और मानसिक जो भी कोई व्याधियां हो उस पर योगा प्राणायाम के माध्यम से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। और ये बात आज सारा विश्व इसको स्वीकार कर रहा है, हमारी क्षमता का परिचय हम दे रहे हैं, और एक अरसे ये हमारा कदम एक वैश्विक स्तर पर भारत को अग्रसर कराने के लिए, भारत को पुनर्वैभव की शिखा पर विराजमान कराने के लिए। एक समय था कि जब भारत को विश्व में सबसे अग्रणी माना जाता था और जगत का मार्गदर्शक था, आज पुनः एक बार हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आज का यह वेबिनार उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः वैश्विक संस्कृत मंच एवं महाविद्यालय को बधाई देता हूँ, पुनः एक बार विश्वविद्यालय की ओर से, मेरी ओर से सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ, और सभी प्रतिभागियों को बधाई देकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद ज्ञापित करने की अपेक्षा, सदैव आपके योगदान के लिए हम सदैव यहाँ ऋणी रहेंगे, और आप समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन करते आए, और जिसके कारण हौसला बढ़ाने के लिए कोई हमारे पीठ पर हाथ रखने वाला भी और कोई आशीर्वाद देने वाले लोग अपेक्षित है, जो कि जिनमें आप हैं, और आप हमारे श्रद्धा स्थलों से शीर्ष स्थान पर है। हमारा महाविद्यालय सदैव विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर रहा है। आपने जो कोई भी जो यानी कि गिनी चुनी बातें जो भी बताए, उन सारी बातों में जो एक मौल्यवान हीरे की तरह बातें थी, जिसमें नीति ग्रंथ रामायण के बात आ गई, और पुराने ग्रंथों को खंगालने के बाद जो हमारे हाथ क्या लगने वाला है, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय
योग स्वीकार करने की आवश्यकता है, स्वीकार किया है, लेकिन मानसिकता कैसे बदल रही है, जिस बात को लेकर आप बहुत ही मार्मिक शब्दों में अपने मंत्रालय पर प्रकट किया। और पुनः एक बार महाविद्यालय की ओर से और संस्कृत विभाग की ओर से, वैश्विक संस्कृत मंच की ओर से मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापित नहीं करूंगा, लेकिन सदैव में हम आपके ऋण में रहना चाहते हैं। और मैं आगे कुछ जिनमें इस वैश्विक मंच के जो एडवाइजर है डॉक्टर राजेश कुमार जी, उनका यानी कि वह सेक्रेटरी है जीएसएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एनएनएम मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट इंडिया के है, और जिनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे यहां पर अपना मंतव्य व्यक्त करें। जी, करबद्ध होकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, अत्यधिक समय ना लेते हुए, समय हमारा अत्यधिक हुआ है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आज के इस संगोष्ठी में, इस संगोष्ठी में अभी जो गार्जियन स्वरूप जिनका वक्तव्य हमें प्राप्त हुआ, ऐसे परम आदरणीय हमारे प्रोफेसर कुलपति महोदय सर, डॉक्टर राधा कृष्ण सर, डॉक्टर सोमलता झा मैम, डॉक्टर अमीरजीत यादव सर, और मैं डॉक्टर रंजीत पाटिल सर, श्री पूजे सर, और श्री वासपुरे सर, श्री ओम कारा अप्पा सर को, और हमारे बीच में जो हमें आज के इस संयोजन, इस आयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करने वाले ऐसे अद्वितीय और सरल सहज हृदय डॉक्टर एस बी अडकी ने प्राचार्य सर को, और कहालेकर सर को, और साथ साथ आपको, और यूट्यूब और इस जूम के माध्यम से मैं देख रहा हूँ देश के विभिन्न कोने से, विदेशों से हमारे बीच में जो विद्वान जुड़े हुए हैं, मैं उनका सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात रखूंगा। मैं यह कहना चाहता हूँ बस आप सब विद्वानों के सम्मुख कि यह ग्लोबल संस्कृत फोरम 2015 में मात्र इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि जो संस्कृत भाषा में विशाल ज्ञान का सागर है, वह विशाल ज्ञान का सागर विद्वानों के साथ साथ सामान्य जन जो कि देश विदेश में रह रहे हैं, जो इनसे लाभान्वित होकर अपने जीवन को सरल एवं सहज बना सके, ऐसे लोगों तक इस संस्कृत भाषा में निहित ज्ञान को पहुंचाना इसका परम उद्देश्य है। भाषा कोई भी हो, संस्कृत भाषा हो, मराठी भाषा हो, तमिल भाषा हो, भाषा का कोई बाउंडेशन नहीं है, बस उस संस्कृत भाषा में निहित समाजोपयोगी ज्ञान जो है वह जन जन तक पहुंचना चाहिए, जिसे वह व्यवहारिक जीवन में उतार कर उससे कुछ सीख कर इस जीवन को सरल एवं सहज बना सके। यह फोरम आज भारत के प्रत्येक प्रांतों में संगठनात्मक गठन के साथ साथ विश्व के 20 से अधिक देशों के विद्वान इस संगठन से जुड़े हुए हैं, और इसमें कुछ न कुछ उस दिशा को लेकर जो इसका मूल स्वरूप है, मूल उद्देश्य है, उस दिशा में कुछ न कुछ आदरणीय प्राचार्य और प्रो वाइस चांसलर जैसे विद्वानों के सहयोग से प्रत्येक प्रांत में भारत में देश विदेश की यूनिवर्सिटियों के साथ भी कोलेबरेशन करके यह समय समय पर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। मैं इसमें सर्वप्रथम मैं अपने महाराष्ट्र प्रांत के कोर कमेटी के आदरणीय प्राचार्य सर ने सबका नाम ले लिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं उनके सहयोग का, समर्थन का, और साथ साथ में हमारे मित्र जो डॉक्टर आशुतोष कुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय से, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी जो हमारे सहयोगी हैं, आप दोनों अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, और इस टेक्निकल सहयोगी के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं, और पुनः मैं समस्त विद्वानों का जो श्रोता है, मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश से, अन्य अन्य राज्यों से हमारे बीच में विद्वान जुड़े हुए हैं, सबको मैं करबद्ध होकर प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय अत्यधिक हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाव अपेक्षित है, और जिस विचारधारा को यानी कि निर्वाह करने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध है, और यहाँ अन्य लोग जैसे कि आप अभी उल्लेख किए कि कुलगुरु सर है, विश्वविद्यालय है, विभिन्न विश्व के विभिन्न जो लोग हैं, और जो लोग इस महत्वपूर्ण यानी कि यज्ञ में वो सारे लोग सम्मिलित है, पुनश्च यानी कि यह बेला वो गगन मंडल पर और बहुत विस्तार से वह फैले, यही अपेक्षा इस अंतरजालीय जो अंतरराष्ट्रीय समारोह के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर कहता हूँ। और जो अगले यहाँ पर विचार प्रकट करने वाले जो महोदया है डॉक्टर सोमलता झा जी, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ योगा। सर, हमारे बीच में कोमल चंद राधा किशुन सर हैं, उनका वक्तव्य 2-3 मिनट हो जाए, उनको जाना भी है सर।
कौन सर? कोमल चंद्र राधा किशन मॉरिशस से हैं सर। जी सर जी, ये एक जो आज के जो मुख्य अतिथि है जो डॉक्टर श्रीयुत राधा किशन जी, सी राधा किशन जी, इनिमेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन मॉरिशियस से है। मार्गदर्शनाय तथा विचार प्रकटनाय डॉक्टर सी राधा किशन महोदयाय आह्वयामि। डॉक्टर सी राधा किशन महोदय, आप सभी को नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाव् भवे। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी श्रोता एवं दर्शकों को मेरा अभिवादन और नमस्ते। और जो वैश्विक संस्कृत मंच के सचिव तथा भारतीय सांस्कृतिक सलाहकार जो हैं श्री राजेश, डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया कि आपके बीच कुछ योग के बारे में कहूँ। आज का वेबिनार साइकोसोमैटिक तो डिजीज़ है, किस तरह से योग इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, योग पद्धति, और उसके निवारण कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योग का अर्थ योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, और महर्षि चरक ने चरक संहिता के शरीर स्थान अध्याय एक में 148 और 139 वही श्लोक में योग के लक्षण बताते हुए ये कहते हैं कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से सुख और दुख दोनों होते हैं। जब आत्मा में मन स्थिर होता है तो किसी कार्य के न होने से सुख और दुख ये दोनों निवृत्त हो जाते हैं, तब शरीर के साथ आत्मा वशी हो जाती है। इसे योग के जानने वाले ऋषि लोग योग कहते हैं। योग हमें जोड़ने का कार्य करता है, हमें जोड़ना सिखाता है। हमारा जीवन आयुर्वेद के हिसाब से के अनुसार आयु जो है शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा का संयोग है। योग शरीर के इंद्रियों के साथ यम नियम, आसन, प्राणायाम से जोड़ता है। हमारे पांच इंद्रियों को मन से जोड़ने का कार्य प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा कराते हैं। हमारे मन का संयोग आत्मा के साथ ध्यान के माध्यम से होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन समाधि की अवस्था से प्राप्त होती है। योग सुख प्रदान करता है, योग सुख का द्योतक है। इस COVID-19 महामारी के बावजूद कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो हमें योग के बहाने आप सब लोगों के साथ मिलने का यह सुनहरा मौका प्रदान किया है। योग हमें ईश्वर की अनुभूति कराता है। COVID-19 महामारी से जुड़ी हुई समस्त जो उपद्रव होते हैं, खासतौर साइकोसोमैटिक डिजीजेस ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे स्ट्रेस, कैंसर, आपके डायबिटीज़, ये सब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये इनका मुख्य कारण तनाव है। और तनाव को दूर करने के लिए योग सबसे उत्तम साधन है। नियमित रूप से आप आसन जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, प्रत्याहार, विशेषतः त्राटक और योग निद्रा, ये तनाव मुक्त करते हैं। और ध्यान से हमारे मन और आत्मा की शांति होती है। योग एक उत्तम चिकित्सा सूत्र है जो साइकोसोमैटिक डिजीजेस, मन तथा शरीर के जो असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम से उत्पन्न रोग का निवारण करता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज का वेबिनार है सफल हो, और आपके जो मुख्य अतिथि ऑनरेबल डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बीएसएन प्रो वाइस चांसलर एवं डॉक्टर एस बी अटकिने, और आज के प्रमुख जो दो वक्ताएं हैं डॉक्टर अमरजीत यादव और डॉक्टर सोमलता झा को मैं अपना शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने यानी कि आपका कीमती समय निकालकर हमें लाभान्वित किए। जैसे कि पतंजलि जी का योग का अर्थ और उसके साथ साथ योग के साथ हमें जोड़ने का जो आपने के अवसर प्रदान किए,
जैसे कि देश विदेश के साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय समारोह हमारा संपन्न होने के लिए आप लोग आपका कीमती समय हमें दिए, इसीलिए महाविद्यालय की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। योग एक तत्व है, योग एक ज्ञान है, योग एक चिंतन है, योग एक मनन है और योग एक अनुभूति है और सुख शांति समाधान की ओर ले जाने वाला एक राजमार्ग है और जिस राजमार्ग के हम सब लोग एक पथिक है, एक साथी है और एक दूसरे के साथ साझे होकर इस राजमार्ग पर चलने के लिए हम कटिबद्ध है और आपका कीमती समय हमें देकर हमें जो लाभान्वित किए, इसलिए पुनः एक बार मैं इस आयोजक की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके उपरांत जो दूसरे जो प्रमुख वक्ता है जो देहरादून से है, माननीय डॉक्टर सोमलता झा जी, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस एंड होलिस्टिक हेल्थ स्वामी रामा हिमालय यूनिवर्सिटी जालीग्रांट देहरादून से है। मैं इस मैडम से, सोमलता झा मैडम से महोदय मार्गदर्शनाय तथा विचार प्रकटनाय डॉक्टर सोमलता झा महोदया अहम प्रार्थयामि। डॉक्टर सोमलता झा जी धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रकांत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आप लोग और जितने सारे ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नमस्ते। आज का टॉपिक है रोल ऑफ योगा इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है क्या। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स व्हिच appear in psyche and which enters in psyche and appears in soma. हमारे मन से प्रवेश करके हमारे शरीर में appear होता है somatic diseases के form में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, योग के माध्यम से हमें मन को शांत करना है। मन को शांत करने के लिए जितने उपाय हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके पहले मैं एक पावर पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। Just आज मेनली बात करूंगी मैं प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम से, चूंकि जो सेकेंड वेव था हमारा COVID-19 का, उसमें आप लोगों ने देखा कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंसेस भी, बहुत लोगों ने अपने प्रियजन खोए। तो डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर इसके लिए सोल्यूशन आया नहीं है अभी तक, कोई भी दवाई नहीं है कारगर इसको COVID-19 से छुटकारा पाने के लिए। तो डॉक्टर्स भी योग करने बोल रहे हैं, प्राणायाम करने बोल रहे हैं, प्रोन पोजीशन में लेटने बोल रहे हैं। उनका मेन मकसद ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, आपके जो लंग्स हैं वो स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो। और इम्यूनिटी जब बूस्टअप होगी तब आप किसी भी बीमारी से आराम से आपका शरीर लड़ सकता है। तो इस बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि ब्रह्म बिंदु निषद के सेकंड वर्स में बताया है, मने मनुष्यानाम कारणम मोक्षयो, मन ही बंधन और कारण का, बंधन और मोक्ष का कारण है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मन को कंट्रोल में रखना है और मन को कंट्रोल में रखने के लिए प्राणायाम का माध्यम है। जो प्राणायाम है वो माइंड और बॉडी के बीच में ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। इसलिए, और आपको पता है कि आवर माइंड इज लाइक जंपिंग मंकी। आप मन को जितना आप चाहे मन को शांत, आप अभी जैसे बैठे हैं आप देखिए आपका मन एक सेकंड में कहां से कहां चला जाता है। तो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मन को कंट्रोल करने के लिए योग में प्राणायाम का माध्यम बताया गया है। चले वाते चलन चित्तम निश्चल निश्चलम भवेत, प्राणवायु के चलने से मन चंचल रहता है और प्राणवायु को जब आप कंट्रोल में कर लेते हैं तब आपका मन भी आपके कंट्रोल में आ जाता है, आपके वश में आ जाता है। इसलिए योग में प्राणायाम की महत्ता बहुत ज्यादा है। अब हम चूंकि टॉपिक है रोल ऑफ प्राणायाम इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमारे शरीर के डिफरेंट जो इन्वेडर्स हैं
उससे हमारा शरीर किस तरह से लड़ता है, किस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये जो शरीर की क्षमता है अलग अलग माइक्रोब से लड़ने की, पैथोजन से लड़ने की, उस क्षमता को हम कहते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे बॉडी में सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, और इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और सबसे पहले इम्यूनिटी को कमजोर कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। पहला फैक्टर है स्ट्रेस। आज की डेट में सब लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, इंटरनल पीस की तरफ, इंटरनल ब्लिसफुल कंडीशन को पाना बहुत, जब आप सब कुछ पा लेते हैं, जब एल्डरली पीपल है वही सोच पाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तब उनका ध्यान जाता है कि अब हमें शांति चाहिए, अब तब वो अंदर की तरफ झांकते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। जितने यंगस्टर्स हैं वो जनरली स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है, शांति कहीं भी नहीं है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत ही लाइफ सोसाइटी में अच्छी पोजिशन चाहिए, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना होता है। स्ट्रेस एक हद तक तो अच्छा है जब तक वो यू स्ट्रेस है, लेकिन वही स्ट्रेस जब डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो धीरे धीरे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स का रूप ले लेता है। दूसरा फैक्टर है, और इससे इम्यूनिटी आपकी स्ट्रोक कमजोर होती है, दूसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल। क्योंकि आज के डेट में आप देखते हैं कि ना हमारे सोने का टाइम फिक्स होता है, ना जागने का, ना भोजन का, कुछ भी टाइम फिक्स नहीं है। आपके वर्किंग आवर्स शिफ्ट में होते हैं, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखोगे कि शिफ्ट में ड्यूटीज चलती है, लोग सुबह आते हैं, शाम जाते हैं, या फिर रात में दोबारा उनकी शिफ्ट हो जाती है, लगातार वो काम करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ स्टाइल जो बायोरिदम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, और आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। एक जगह स्टैटिक फॉर्म में आप बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं, तो आप फिजिकल मूवमेंट अगर ना हो, ओबेसिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी वीक होगा, और नींद प्रॉपरली नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तीसरा है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, क्योंकि इसमें टाइमिंग का, क्वालिटी का और क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो हम बिल्कुल नहीं रखते। जंक फूड खाते हैं, स्टेट फूड खाते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कुछ भी खा के पेट भरना है, उसकी गुणवत्ता की तरफ हम ध्यान नहीं देते। आजकल आप देखेंगे कि कितने सारे स्टेट फूड, वो पैकेज फूड होते हैं, जिसका कोई उससे आउटकम कुछ नहीं निकलता, हमें एनर्जी तो बिल्कुल उससे नहीं मिलती, सिर्फ हम लोग लगे रहते हैं कि किसी भी तरह पेट में डम करना, कुछ भी डाल लो और पेट भर लो। अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगी हमारे शरीर को, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वर्क एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने भोजन का ध्यान रखें। आपके योग में भी कहा गया, सुस्निग मधुर आहारश चतुर्थांश विवर्जयेत, सुस्निग भोजन करें, मधुर भोजन करें, और 1/4 जो है आप स्टमक एम्प्टी रखें, ताकि जो साइंटिफिकली भी एंजाइम्स का प्रॉपर सिक्रेशन होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। तो जो योग में वर्षों पहले कहा गया, अब साइंटिस्ट वो जो डॉक्टर से वो स्वीकार करते हैं कि डाइट का भी ध्यान देना है, अलग से उसके लिए आपके लिए डाइटिशियन रिक्रूट किया जाता है कि वो आपको डाइट का बताते हैं कि आप सुबह ये खाओ, शाम में ये खाओ। तो डाइट में 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी बहुत जरूरी है। योग में कहा गया कि आप सात्विक भोजन, भोजन करें जो आसानी से पच सके, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो उसका डाइजेशन करते हैं, और भोजन को पचाने के लिए भी हमें शरीर को एनर्जी लगानी पड़ती है, तो आउटकम जो है वो भी थोड़ा होना चाहिए। पचाने में सारी एनर्जी वेस्ट हो गई तो हमारे शरीर को मिलेगी कौन सी एनर्जी। इसलिए ऐसा भोजन करें जो सुपाच्य हो, भोजन पचने में आसान हो। इसलिए क्वालिटी ऑफ फूड इज इम्पोर्टेंट, सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप स्टेल फूड, ऑयली फूड खाएंगे तो उसको पचाने में शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ फूड, जैसा कि मैंने बोला 1/4 आपको खाली रखना है, और ऐसा कहा भी गया है कि टेक ब्रेकफास्ट एज अ प्रिंस, लंच एज अ किंग, एंड डिनर एज अ बेगर। तो सुबह का भोजन जो है आप अच्छे से
रिच डाइट ले सकते हैं, लेकिन शाम का भोजन जो भिखारी की तरह बिल्कुल थोड़ा सुपाच्य भोजन लेना है, क्योंकि योग में कहा गया है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का संबंध मणिपुर चक्र से है और मणिपुर चक्र का संबंध हमारे सूर्य से है। तो सूर्य की इंटेंसिटी जब ज्यादा होती है तब भोजन पचना आसान होता है, इसलिए कहा गया है कि आप लंच जो है दोपहर से पहले ले लें ताकि आपका भोजन सुचारू रूप से पच जाए, और जो डिनर लें वो संध्या से पहले ले लें ताकि संध्या के बाद जो है वो थोड़ा गैप मिल जाए, भोजन आपका पच जाए और जितने एंजाइम से वो प्रॉपरली काम करें। इसका एक मैं साधारण सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ही जैसे और भोजन के आधे घंटे पहले पानी नहीं पीना है और आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, जैसे कि मुंह से सलाइवा का सिक्रीशन होता है, फिर एमाइलेज लाइपेज, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो भोजन के डिफरेंट अवयव्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। अगर हम पानी पी लेंगे भोजन के साथ तो ये जो एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, उनकी इफेक्टिवनेस कम होगी, और इफेक्टिवनेस कम होगी तो क्या होगा, टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होंगे जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए भोजन का हमें खास ख्याल रखना है कि क्वांटिटी ऑफ फूड कितना होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एंड टाइमिंग ऑफ फूड, जैसा कि मैंने बता दिया कि सूर्यास्त से पहले आपको डिनर ले लेना है और ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। उसके बाद नींद का आपको प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, सुबह आप सूर्योदय से बहुत पहले जग जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जगने को बताया गया है, और रात में आप टाइमली सो जाएं, भोजन के दो घंटे बाद हल्का सा वॉक करके सो जाएं। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे कि हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट वी हैव टू कोप अप विद द स्ट्रेस। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, योग आप में वो क्षमता ला देती है कि आप जो भी सिचुएशन है उसको आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। आज की डेट में भागम भाग सबकी लाइफ में, सब लोगों को उसी के साथ जीना है। जैसे कोविड का ही सिचुएशन है, सिंगापुर में अब बोल रहे हैं कि उसी के साथ आपको जीना है, दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी कोविड प्रोटोकॉल्स। तो हमें सपोज अगर हमें कोविड के साथ जीना है तो हमको उसको उसके साथ कोप अप करना सीखना पड़ेगा, सारे नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ेंगे और उसके साथ ही जीना है। तो स्ट्रेस को हम जितना इसको ये कर सके, एडजस्ट कर सके उसके साथ, उतना ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस कौन कौन से हैं? एनवायरमेंट है, मैं कोविड के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। फैमिली सिचुएशन है, आज की डेट में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह हैं, सबको सबकी चिंता बनी हुई है कि कोई पॉजिटिव ना हो जाए। जॉब सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। लिविंग कंडीशन है, अब जैसे कि एक रूम क्वारंटीन करने बोलते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उनको कितना स्ट्रेसफुल लाइफ, वो प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो जीते हैं। मेजर लाइफ चेंजेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके बहुत नजदीकी प्रियजन उनसे इस कोविड सिचुएशन में दूर चले गए हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसे हमें कोप अप करना ही पड़ेगा, और योग हमें वो शक्ति देती है, वो क्षमता योग प्रदान करती है जिससे कि हम सारे सिचुएशन को इजिली हैंडल कर सके। फिर फैमिली हिस्ट्री है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से भी हम इफेक्टेड होते हैं कि हम उसके साथ किस तरह स्ट्रेसफुल कंडीशन को डील कर सकें। लाइफस्टाइल मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, डाइट का ध्यान देना है, एक्सरसाइज इज आल्सो वेरी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्ट्रेस, और एडिक्शन, बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, तो उससे भी बचना है। और दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइप ए वाले जो है एग्रेसिव होते हैं, इंपेशेंस होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, इन लोगों को धीरे धीरे टाइप बी की तरफ आना है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लाइफ से छोड़ के जो है उसमें खुश रहना सीखना। ये सिंपल से बात है जो सीखना पड़ेगा अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप अप करना चाहते हैं। तैतरीय उपनिषद में बताया गया है कि हमारा शरीर जो है पंचकोष से बना हुआ है, जिसमें सबसे जो आउटर कवरिंग है वो है अन्नमय कोष, जो फिजिकल शीत है, ग्रॉस बॉडी है, जो नरिश होता है अन्न से। सबसे
ग्रॉस शीट है, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, उसको जो है नरिशमेंट जो है कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। दूसरा शीत है प्राण में कोश, प्राण में शीत क्या है, प्राण से सुचारू रूप से चलता है, और प्राण क्या है, प्राण इज द वाइटल एनर्जी। हमारा अन्नमय कोश भी जो है बिना प्राणमय कोश की वजह बिना सहायता से चलते, ठीक है, तो प्राण जो है जो प्राणिक एनर्जी उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नो दैट प्राण इज द लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तीसरा आता है मनोमय शीत, मनोमय शीत जो है अगर आपका प्राणिक कोश जो है प्राणिक शीत जो है वो प्रॉपरली काम करेगा तब मनोमय शीत भी मेंटल शीत जो है एक्टिवेट होगा, तब जो हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल शीत उसके बाद जो है वो काम करना शुरू करती है। विजडम शीत जो है जो विज्ञान में कोश है, मनोमय कोश तक तो सब है, ये कॉमन है इंसान और पशुओं में भी, लेकिन विज्ञान में शीत इज समथिंग डिफरेंट विच ओनली वी हैव, मतलब ह्यूमन बींग्स के पास है। विज्ञान में शीत से ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समाज के कल्याण के बारे में हम इस वजह से सोच पाते हैं अगर हमारा ये शीत एक्टिवेटेड है। तो आनंद में शीत तो अल्टीमेट कंडीशन है, ब्लिसफुल बॉडी, जब ये सारे चारों शीत प्रॉपरली काम करते हैं तब हम ब्लिसफुल कंडीशन में पहुंचते हैं। और तो हमारा जो एफर्ट है वो होना चाहिए कि ब्लिसफुल कंडीशन में पहुंचे। ये छोटी सी बात थी, अब मैं आती हूँ प्राणायाम पे जो कि मेरा मेन टॉपिक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें कि नासिका से शुरू होकर हमारे लंग्स तक ये पूरा सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। उसके नीचे ये डायफ्राम आप देख रहे हैं और इस लंग्स में बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सांस लेते हुए सारे एल्वियोलाई जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं जो लंग्स का नीचे वाला हिस्सा है उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो है एब्डोमेन नीचे की तरफ जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति को, क्योंकि प्राण तो ऐसे हम देख नहीं पाते, महसूस बहुत सटल चीज है, लेकिन ग्रॉस फॉर्म में हम प्राण को किससे कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वही प्राण है, जबकि पूरे वातावरण पूरे ब्रह्मांड में प्राण शक्ति व्याप्त है। कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हो सकती, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती प्राण शक्ति की वजह से, प्राण शक्ति के बगैर। तो हम बात कर रहे हैं प्राणायाम की, डीप ब्रीदिंग की। एक लेमन के लैंग्वेज में प्राणायाम क्या है, सांस लेना, प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार। और ये विस्तार कैसे होगा, जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो वो हमारे लिए जरूरी है। उससे डायफ्राम नीचे जाएगा, एब्डोमेन बाहर की तरफ आएगा और लंग्स का निचला हिस्सा जो नीचे वाला एल्वियोलाई है उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, जो टाइडल वॉल्यूम है वो ज्यादा बढ़ेगा। हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा और हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा। प्राणायाम के अभ्यास से भी बहुत सारे फायदे होंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है। प्राणायाम के लिए आपको एक पर्टिकुलर समय चुनना है जब आप एम्प्टी स्टमक है, भोजन किए हुए एटलीस्ट 4 घंटे का गैप हो जाना चाहिए। भोजन के 4 घंटे बाद ही आप प्राणायाम करें, क्योंकि आपने डायग्राम में देखा कि डायफ्राम नीचे जाता है, स्टमक को पुश करता है। अगर स्टमक फुल होगा आपका, उसमें भोजन रहेगा तो उसको पुश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरली जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हम बहुत कम सांस लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक कुत्ता जब पैंटिंग करता हांफता है, उसकी आयु मैक्सिमम होती 40 ब्रेथ पर मिनट वो लेता है और उसकी मैक्सिमम आयु होती है 12 साल। और एक जो कछुआ होता है वो मैक्सिमम 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है। और आपने देखा वो 200-300 साल के कछुए, आप सुनते हैं कि कछुआ 2-3 साल जीवित रहता है। और आपको पता है कि हमारी सांस भी लिमिटेड बोलते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं उसकी सांस इतनी ही थी। अगर सांस लिमिटेड है तो उस सांस को क्यों ना हम लंबी सांस लेकर अपने जीवन को बढ़ाएं। हमारी लाइफ स्पैन जो है वो प्राणायाम के माध्यम से बढ़ेगी और उससे हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी बॉडी भी फिजिकली फिट होगी, मन भी कंट्रोल होगा, तब हम लंबे समय तक
स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। ये छोटी सी बात प्राणायाम से रिलेटेड है। अब जो है हम बात करेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि हम जब भी सांस लेंगे डीप ब्रीदिंग, सिर्फ प्राणायाम की टेक्निक की बात मैंने करी कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं या भ्रामरी कर रहे हैं, सिंपली आपको जब भी समय मिले, एक लेमैन के लिए, मैं किसी विद्वान के लिए बात नहीं कर रही क्योंकि आज कोविड सिचुएशन में सब लोग परेशान हैं, तो एक हैबिट बना लें कि आप लंबी सांस लें, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करें, क्लेविकुलर ब्रीदिंग ना करें, थोरेसिक ब्रीदिंग ना करें, डीप ब्रीदिंग करें। जब भी सांस लें कोशिश करें कि आपकी अवेयरनेस आपकी सांसों पर रहे और आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करें। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का मतलब है लंबी सांस लें, लंग्स आपका पूरी तरह एक्सपेंड हो, डायफ्राम आपका नीचे जाए। इसको आप लेट के प्रोन पोजीशन में भी कर सकते हैं, पेट के बल लेट के भी। और एक मकर आसन होता है योगासन में, उस आप मकर आसन के पोजीशन में भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग शुड बी डायफ्रामेटिक, नॉट थोरेसिक और क्लेविकुलर। ब्रेथ शुड बी डीप एंड कंप्लीट। लंबी सांस लें, छिछली सांस ना लें। शैलो ब्रीदिंग कब हम करते हैं? जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। आपने देखा होगा कोई गुस्से में हम बोलते हैं ठंड रख, थोड़ी सांस ले। सांस ले का मतलब है डीप ब्रीदिंग करो, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा, स्ट्रेस आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप डीप ब्रीदिंग करें। सो डू द डीप ब्रीदिंग एंड कंप्लीट ब्रीदिंग, स्मूथ नॉट जर्की। योर ब्रीदिंग शुड बी स्मूथ, जर्की ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए, उससे आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। साइलेंट सांस जब आप लें, साइलेंटली लंबी सांस लें, रिदमिक ब्रीदिंग होनी चाहिए। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, नो पॉज बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी श्वास निकालें, इसका आपको ध्यान रखना है। और जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ सांस ले रहे हैं तो एक सिंपल इंसान के लिए, साधारण मनुष्य के लिए वही प्राणायाम है। तो कोशिश करें जब भी आप बैठते हैं तो ब्रीदिंग पे, ब्रेथ अवेयरनेस पे आपके ध्यान हो, लंबी सांस लें और सांस को पूरी तरह निकालें। ब्रेथ इज अ व्हीकल ऑफ प्राणा। जैसे कि मैंने बताया कि प्राण क्या है, वाइटल एनर्जी है, सटल एनर्जी है जिसको हम नहीं देख पाते, लेकिन ब्रेथ एक माध्यम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए आप लंबी सांस लें और लंबी सांस निकालें। अब एडवांटेज ऑफ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या क्या है? जैसे कि मैंने आपको किसी प्राणायाम का जिक्र नहीं किया, आप सिंपली अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। जो वेगस नर्व है, जो कि आपके बेस ऑफ द ब्रेन से लेके नीचे स्टमक तक गया हुआ है, वो क्या करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करता है जिसको एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। उससे क्या होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको छुट्टी मिलती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, वेगस नर्व इन्फ्लुएंस होता है, वो बहुत सारा एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन करता है। प्राणायाम के बहुत सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे योगिक वे में भी आप प्राणायाम को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। साइंटिफिकली जब आप प्राणायाम करते हैं तो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक बैलेंस होता है। तो अगर आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं तो दोनों नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। उससे क्या होगा कि मन जो है वो एकदम शांत हो जाता है। इट इज ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम, नाड़ी शोधन। अब बात करें अगर हम भ्रामरी प्राणायाम की, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो बहुत तरीके से किया जा सकता है, ईयर फ्लैप को दबा के, फिर बहुत आपने देखा होगा टीवी में, मैं प्रोसेस के बारे में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका की ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट होता है। और वो क्या करता है, एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है, एक सेरेटोनिन होता है। सेरेटोनिन आपको जगने में मदद करता है और मेलेटोनिन जो है वो स्लीप इंड्यूस करता है। और मेलेटोनिन का सिक्रेशन होता है जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। रेगुलरली अगर आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इंसोम्निया जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप उसके बेनिफिट्स को देख लें और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन को भी देख लें। भ्रामरी प्राणायाम जो है उसका वो इंसान को इंट्रोवर्टेड बनाता है, मनुष्य को इंट्रोवर्टेड बनाता है। इसलिए अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लिमिट में करें, बहुत ज्यादा नहीं करें। लेकिन जो एक्सट्रोवर्टेड है, जो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है,
उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए जो हीटिंग प्राणायाम है जैसे कि कपालभाति और भस्त्रिका, ये प्राणायाम उनके लिए प्रोहिबिटेड है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि उनसे उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। उनको सूदिंग प्राणायाम, बैलेंसिंग प्राणायाम या ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम जो भी कहें वो करना चाहिए। उससे क्या है, जैसे किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है तो आर्टरीज, हार्ट के आर्टरीज रिलैक्स होगी और जो है आपका हार्ट धीरे धीरे स्वस्थ होगा। तो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सूदिंग प्राणायाम करें, कामिंग प्राणायाम करें, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास सबके लिए रिकमेंडेड है, कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास आप सोच समझ के करें, ऐसा योग का साइड इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब योग का अभ्यास करते हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर करें, क्योंकि हर प्राणायाम हर किसी के लिए नहीं है। जैसे कूलिंग प्राणायाम है, शीतली और शीतकारी, ये प्राणायाम कूलिंग है। तो जैसे किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, म्यूकस ज्यादा जनरेट होता है, ऐसे लोगों के लिए शीतकारी शीतली नहीं है। अभी जैसे किसी कोई कोविड वार्ड में भर्ती है, अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस है तो उस समय आपको कूलिंग प्राणायाम रिकमेंड नहीं किया जाएगा। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के क्या क्या एडवांटेज है, एक ब्रॉड एडवांटेज की बात करेंगे। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इंक्रीजेस स्ट्रोक वॉल्यूम एंड रिड्यूसेस रेस्पिरेटरी रेट। आप जब डीप ब्रीदिंग करेंगे, एक मिनट में साधारणतः मनुष्य 15 बार सांस लेता है, लेकिन अगर आप उसी को घटा देंगे, 5 से 6 सांस आप लेते हैं पर मिनट, तो इससे क्या होगा, आपके जो है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, आपका लंग स्ट्रेंथन होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ गैस ट्रांसफर इन द लंग्स। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया था कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जितने एल्वियोलाई हैं लंग्स के नीचे, जनरली शैलो ब्रीदिंग में हम लंग्स का निचला हिस्सा यूज नहीं करते, लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छे से पूरे एल्वियोलाई को आप यूज करते हैं और प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज होगा। गैसेस एक्सचेंज से क्या होगा कि आप जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और जितने भी वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है शरीर से, जो टॉक्सिन्स हैं वेस्ट है वो बाहर निकलता है और आप फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लंग्स को यूटिलाइज करते हैं, ब्लड प्योरिफाई होता है। इम्प्रूव्स कोरोनरी सर्कुलेशन, जब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, हार्ट के जो जितने सारे आर्टरीज हैं वेंस है वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग रिड्यूसेस हार्ट रेट एंड लोड ऑन द हार्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्ट वर्क्स 24/7। आपके बाकी जितने शरीर के अंग हैं उनको कभी आराम भी मिलता है, लेकिन जो हमारा हार्ट है वो कभी आराम नहीं। सो जब हम सोए होते हैं हमारा शरीर आराम करता है, हार्ट फिर भी काम करते रहता है। इसलिए हार्ट रेट को कम करना, हार्ट के लोड को, उसके प्रेशर को कम करना बहुत जरूरी है। उसमें प्राणायाम बहुत अहम भूमिका निभाता है, इसलिए प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग लोअर्स ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारा जो आर्टरीज है वो रिलैक्स होती है और हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल में आ जाता है, कम हो जाता है। इट स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज के द्वारा जितने सारे वेस्ट है वो शरीर से बाहर जाता है, तो प्राणायाम के अभ्यास से लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी स्टिमुलेट होता है। प्राणायाम मसाजेस एब्डोमिनल ऑर्गन्स, डीप ब्रीदिंग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जैसा कि आपने देखा जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है और एब्डोमिनल मसल्स पूरी तरह एक्सपैंड होते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते हैं। इन दैट वे प्राणायाम मसाजेस द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग मसाजेस द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और उसका मसाज होता है प्रॉपर जो है जितने के एंजाइम्स का सिक्रेशन, हार्मोन का सिक्रेशन, ये सारा बैलेंस होता है, इसलिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंक्रीजेस पैरासिम्पथेटिक टोन, जैसा कि बताया कि वेगस नर्व पे इसका असर होता है, इसलिए ये पैरासिम्पथेटिक टोन को इंक्रीज करता है। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू रिलैक्स एंड डाइजेस्ट एंड रिलैक्स, तो उससे जो है मन हमारा शांत होता है, प्रॉपर बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। Body becomes relaxed, mind becomes calm,
प्राणायाम के अभ्यास से जैसे कि आपने देखा कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, टोन अप होता है, उससे उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारा शरीर शांत होता है, मन भी शांत होता है, क्योंकि जो हमारे जितने सारे बॉडी के मसल्स है वो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेंगे उसका असर हमारे मन पे भी पड़ता है, लेकिन अगर हमारा मन शांत रहा तो हमारे बॉडी भी रिलैक्स रहेंगे, जितने सारे आर्टरीज हैं वेन्स है उस पर भी उसका असर पड़ता है। थेरेप्यूटिक फॉर एंजाइटी स्टेट्स, अगर हम प्राणायाम का अभ्यास लगातार करते हैं तो हमें एंजाइटी के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी, प्राणायाम बहुत इफेक्टिव होगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप अप करने के लिए। जब हम लगातार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी खुद ब खुद बहुत बढ़ जाएगी, और जो है हम अगर सपोज कोई तीसरा वेव आता है उसके लिए हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जितना भी प्राणायाम के बारे में जानते हैं अपने आसपास ये मैसेज सर्कुलेट करें कि डीप ब्रीदिंग कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं, सिंपली डीप ब्रीदिंग करें, लेटकर पेट पर हाथ रखें, लंबी सांस लें, पेट को पूरी तरह फुलाएं और सांस छोड़ते हुए देखेंगे आप पेट धीरे से आपका एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो रहा है। मैं कोई लंबा चौड़ा साइंटिफिक टर्म नहीं बोल रही हूँ, सिंपली अगर ये करें तो हमारी इम्यूनिटी वैसे ही बूस्टअप हो जाएगी और सारे लोगों को जन साधारण को इससे लाभ मिलेगा। मैं बस इसी बात के साथ विराम देती हूँ अपने वक्तव्य को। जितने लोग सुन रहे श्रोतागण पेशेंस के साथ सुनने के लिए उनका धन्यवाद अदा करती हूँ, और जितने सारे लोग हैं सबको मेरा धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, हाँ, आ रही है। आ रही है सर आपकी आवाज। धन्यवाद मैडम। आप मन को शांत किए बिना मनुष्य का जीवन का लक्ष्य संभव नहीं है। मन और शरीर को शांत किस तरह किया जा सकता है और प्राणायाम की क्या आवश्यकता है, ऐसे ये सारी बातें जो ज्ञानवर्धक थी वह सारे यानी कि मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण मायने रखती है, इन सारे बातों को आप यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाने का प्रयास किए। हम संयोजन समिति की ओर से कृतकृत आपको यानी कि मनुष्य मनपूर्वक यानी कि यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मनुष्य को मान सम्मान जो भी मिलाना है या मन शांति और आत्मिक समाधान आत्मा और परमात्मा के बीच जुड़ने के लिए प्राणायाम की क्या आवश्यकता है, ये सारी बातें बहुत ही सूक्ष्मता के साथ आप यानी कि यहाँ पर बहुत ही सरल बातों में ये साझा किए हैं। इस मायने में हम सब लोग यहाँ पर कृतकृत हो गए। धन्यवाद मैडम। और इसके बाद मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शनाय तथा विचार प्रकटनाय डॉक्टर अमरजीत यादव जी महोदय आवयामी। डॉक्टर यादव जी कोऑर्डिनेटर फैकल्टी ऑफ योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। मैं डॉक्टर यादव सर जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे यहां पर अपने मंतव्य करो। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। थैंक यू सर। ग्लोबल संस्कृत फोरम महाराष्ट्र प्रांत एवं वीरभद्र एजुकेशनल सोसाइटी तथा महात्मा ज्योति फुले महाविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर जोगेंद्र सिंह विसेन सर, ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर श्री श्रीकांत पाटिल जी, श्री सुभाष अप्पा श्री पूजे जी, श्री रंजीत पाटिल जी, श्री शंकर राव वसापुरे जी, डॉक्टर जी आई कहल लेकर सर और डॉक्टर सोमलता जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्रा जी, आप सभी लोगों का इस वर्चुअल मोड पे अभिनंदन करता हूँ। और
इस महत्वपूर्ण विषय पे आपके आयोजन के लिए आप लोगों को बधाई भी प्रेषित करता हूँ। साथ ही साथ मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्रा जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के मध्य मुझे आमंत्रित किया और विषय पे अपना विचार प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप लोगों के समक्ष वर्चुअल मोड पर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ योग विद स्पेशल रेफरेंस टू कोरोना क्राइसिस इस विषय पे अपना व्याख्यान संपूर्ण करूंगा और पूरे व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के क्रम में मैं 10 पॉइंट्स पे 10 बिंदुओं पे अपना विचार रखूंगा। पहला मेरा बिंदु होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा कोरोना इन्फेक्शंस एंड हेल्थ, तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, चौथा इफेक्ट्स ऑफ योगासनास ऑन ह्यूमन बॉडी, पांचवा लंग्स एंड प्राणायाम, फिर अगला पॉइंट होगा योगिक डाइट षटकर्म, उसके बाद मेडिटेशन और टाइम मिला तो नेचुरोपैथी, देन कंक्लूजन। ये 10 मेरे पॉइंट्स हैं आप लोगों के साथ वार्ता के लिए। पहले पॉइंट की बात करें तो मानव समुदाय प्राचीन काल से ही विपरीत परिस्थितियों का, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का, जिनका प्रभाव शरीर पे साइकोसोमेटिक रूप से भी पड़ता है, इस प्रकार की स्वास्थ्य की प्रबलतम चुनौतियों का सामना करता आया है। अपने इतिहास को अध्ययन करें या इतिहास के हम पन्ने पलटें तो इस समय की जो कोविड की सिचुएशन है या जो स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर प्रतिकूलता है, इस तरह की प्रतिकूलताएं पिछले इतिहास को देखें तो लगातार आती रही हैं। मानव समुदाय उसका सामना करता रहा है और उस चुनौती से पार भी पाता रहा है। और इस तरह की प्रतिकूलताएं इतिहास बताता है कि शरीर और मन दोनों पे प्रभाव डालती रही हैं। तो उन प्रतिकूलताओं का हम देखें तो 1620 में इस समय जो सिचुएशन है उसी तरह की सिचुएशन आई थी, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या आई थी। फिर 1720 में, उसके 100 साल बाद 1720 में, फिर 1820 में और 1920 में। 1920 का तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, प्लेग आया था, लाखों लाख लोग शारीरिक और मानसिक रूप से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के शिकार हुए थे और उनको असमय काल के गाल में जाना पड़ा। और फिर 2020 में यह समस्या आई। तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि विश्व समुदाय इस तरह का आप आकलन करें वर्ष के हिसाब से तो 100-100 वर्षों के अंतराल पे इस तरह की प्रतिकूलताएं हमारे बीच में आती रही है, जिससे व्यक्ति का तन मन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और जीवन के सामने तमाम तरह की इस तरह की घटनाओं से, प्रतिकूलताओं से जीवन के लिए एक संकट पैदा होता है। किंतु पृथ्वी का सबसे संवेदनशील और सबसे विवेकवान और सबसे बुद्धिमान कोई जीव है तो मनुष्य है। तो मनुष्य ने इस तरह की प्रतिकूलताओं का बहुत ही दृढ़ भावना से अपने तन मन में सामंजस्य बिठाकर इन सारी प्रतिकूलताओं का सामना किया है और जीवन का उच्चतम मापदंड स्थापित करते हुए इन समस्याओं से अपने को पार पाने में सक्षम बनाया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो COVID-19 से संबंधित समस्या है या कोरोना क्राइसिस, कोरोना संकट की जो समस्या है, भले ही हमारे तन मन को, शरीर और मन को ये प्रभावित कर रहा है, मगर इसमें भी हम लोग पार पा जाएंगे और उस दशा की ओर हम लोग अग्रसित हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट्स मैंने बताया था कोरोना इन्फेक्शन एंड हेल्थ।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कोरोना का इन्फेक्शन है या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, बेसिकली ये व्यक्ति के जीवन का जो हेल्थ का जो चार डायमेंशन है, उन चारों डायमेंशंस को प्रभावित करता है। जैसे जो हेल्थ का पहला डायमेंशन है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, ये उसको भी प्रभावित करता है। मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये जो कोरोना वायरस है ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, अभी ये शोध का विषय है, इस पर निरंतर रिसर्च हो रही है, उस पर ज्यादा वार्ता नहीं करनी, मगर थोड़ी सी जानकारी के लिए कुछ चीजें मैं आपके सामने शेयर कर दूं। जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डायग्राम है आप देखो, वो गोल सा है, फिर ऊपर नुकीला उठा हुआ स्ट्रक्चर है। वो जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है वो एक तरह की प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही हमारे शरीर के सेल में चिपक जाता है इन्फेक्शन के दौरान, और जो गोल वाला हिस्सा है उसके अंदर उसका जेनेटिक ऑर्गन्स है। तो चूंकि स्पाइक प्रोटीन जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है वो हमारे सेल से चिपक जाता है, दूसरी तरफ ये जो वायरस है आरएनए वायरस है, इसलिए ये बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है या तेजी से इसका इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। इसलिए आप देखोगे कि आज सुबह किसी को इन्फेक्शन हुआ और अगले दिन शाम को गंभीर स्थिति उसकी होने लगी, यदि उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो, क्योंकि ये आरएनए वायरस है और इसका नेचर होता है बहुत ही तेजी से अपनी कॉलोनीज बनाने लगता है या अपना इन्फेक्शन करने लगता है। तो यहाँ मैं ये भी बता रहा था कि ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये हेल्थ के चारों डायमेंशन को या हेल्थ के चारों ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया तो शरीर में इन्फेक्शन होने का मतलब ये हो गया कि हमारे जितने भी शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके जो काम है वो अननेचुरल होने लग गए। जैसे डाइजेशन से ले लीजिए, रेस्पिरेशन से ले लीजिए, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, मस्कुलर सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं इसके इन्फेक्शन से उनके कार्य या तो स्लो हो जाते हैं या एबनॉर्मल हो जाते हैं या अनियंत्रित हो जाते हैं, उससे हमारा फिर शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। इसके अलावा इस वायरस के संक्रमण के कारण मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही बड़े लेवल पे प्रभावित हो रहा है। इस बीमारी के सूचना मात्र से या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या अखबारों में या कहीं से भी हम जो सूचना लेते हैं, यदि प्रतिकूल सूचना है तो उस प्रतिकूलता का असर हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है और काफी दिनों तक रहता है। या परिवार का कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई या इन्फेक्शन में आ गया तो बहुत ही बड़े स्तर पे हम एंजाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ये सब सारी जो सिचुएशन है ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मन प्रभावित होने लगा, मस्तिष्क प्रभावित होने लगा तो आप समझिए फिर शरीर भी और तेजी से प्रभावित होने लगेगा, और इसी तरह के डिजीज की विशेषता को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स या डिजीज बोलते हैं। ये मानसिक लेवल को भी प्रभावित करता है। तीसरा जो सामाजिक स्वास्थ्य है व्यक्ति का वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग समझते हैं कि खाली हमारा शरीर ठीक है और मन पे नियंत्रण है, मानसिक ढंग से हम ठीक हैं तो हम ठीक हैं, ऐसा नहीं है। योग और आगे की बात करता है, आपका समाज के प्रति कितने उत्तरदायी आप हैं, समाज में आपकी मान्यता अनुकूल है या प्रतिकूल है, आपके कार्यों की रिकॉग्निशन प्रतिकूलता के साथ है या अनुकूलता के साथ है, परिवार में आपका किस तरह का स्टेटस है या परिवार के लोगों में आपके प्रति किस प्रकार का आदर है, ये सब सारी परिस्थितियां हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को बनाती हैं। मगर ये जो बीमारी है या ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे शारीरिक सामाजिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। वो इस तरह से, जैसे आप सपोज कर लो, आप मान लो हमारा कोई मित्र इस इन्फेक्शन से प्रभावी हो गया, उसको ये इन्फेक्शन हो गया, मगर इस बीमारी में कुछ ऐसी बाध्यता है कि मैं चाहते हुए भी मैं उसके पास जा नहीं सकता, तो मैं जा नहीं सकता या
मुझे पता है कि फला के पास ये चीज होती तो इसकी जो प्रतिकूलता है वो कम हो सकती थी, और मैं जिस सक्षम हूँ कि मैं उसकी वो मदद कर सकता हूँ, मगर वो मदद भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पास भी नहीं जा रहा हूँ, और कोई प्रतिकूल घटना हो जाती है तो संवेदना व्यक्त करने में भी मैं असमर्थ हूँ। तो क्या है, इससे हमारा जो सामाजिक दायरा है वो संकुचित हो रहा है, और फिर उसके तमाम तरह के बैड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो इससे हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत ही बड़े स्तर पे प्रभावित हो रहा है। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य पे आ जाइए। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस बीमारी से, वायरस से यदि संक्रमित हो जाता है, इससे पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति हमेशा से सहिष्णुता, दया, संवेदनशीलता, विवेकशीलता, सत्य, ये सब व्यक्ति के जन्मजात मानवीय गुण हैं, और जिन व्यक्तियों के अंदर ये सब चीजें नहीं है वो पशु कहलाने लायक है। तो जैसे ही कोई बीमार हो रहा है, चाहे हमारा प्रिय हो या रिश्तेदार हो या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ का हो, तो हम अंदर से द्रवित होते हैं, मगर मजबूरी ये होती है कि हम उस संवेदना के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे हम ये नहीं कहते कि निगेटिव हमारे अंदर प्रभाव पड़ रहा है, मगर सकारात्मक ढंग से हम प्रभावित हो रहे हैं, उससे हमारा मानवीय गुण प्रभावित हो रहा है, उसका एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फिर हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आप ये मान के बिल्कुल नहीं चलो कि आध्यात्मिक होने का मतलब ये है कि हम डेली पूजा कर रहे हैं, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि हम डेली मंदिर जा रहे हैं, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि हम डेली मस्जिद जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब ये है कि हमारी संवेदना किस स्तर की है, हमारी विवेकशीलता कितनी स्तर की है, हमारा जो आचरण है वो कितना सत्य के करीब है, हमारे अंदर सात्विकता कितनी है। हम रोज मंदिर जा रहे हैं मगर दिन भर झूठ बोल रहे हैं, या रोज मंदिर जा रहे हैं दया, सहिष्णुता, विवेकशीलता ये हमारे पास है ही नहीं। तो योग ये सबको नहीं मानता, योग मानता है कि आप कितने जीवन में सात्विक हैं और निरंतर आपके अंदर जो मानवीय गुण है, ईश्वरीय अंश है, कितना विकसित हो रहा है, वो पैमाना है आध्यात्मिक स्वास्थ्य का। तो ये जो वायरस है, मनुष्य का जो विलक्षण विशेषता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, उसको भी प्रभावित कर रहा है। अगला पॉइंट्स मैंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमेटिक या मनोदैहिक का मतलब ये होता है, देखिए योग में ये माना जाता है कि सर्वप्रथम कोई भी आदि, व्याधि, उपाधि, यहाँ तो केवल व्याधि की बात होती है ना, योग में आदि, व्याधि, उपाधि, तो यहाँ जो व्याधि का जो कॉन्सेप्ट है या छोटा सा अर्थ और लगा लो आप, जो रोग है, सबसे पहले योग ये बोलता है कि कुछ रोगों को छोड़ करके ज्यादातर रोगों का जो बीज है सबसे पहले मन में बोया जाता है। इसलिए हमारा मन कितना नियंत्रित है, कितना संयमित है, और हम खुद कितना संयमित हैं, और हम कितना सात्विक हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा मन कितना कंट्रोल में है, कितना संतुलित है, कितना सुंदर है, कितना व्यवस्थित है। यदि हम व्यवस्थित हैं, इसका मतलब हमारा मन व्यवस्थित है। बाहर से अच्छे कपड़े पहन के अच्छा दिख रहे हैं वो व्यवस्था नहीं मन से संबंध, अंदर से हम कितने वाहमुखी से अंतर्मुखी हम कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा या मन का संतुलन कैसा रहेगा। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने उधर संयम की साधना बताई है, फिर चित्त वृत्तियों के निरोध के अलग अलग तरह के डायमेंशन है, वो सब सारी चीजें हैं। यदि उसके हम अभ्यासी हैं तो हमारा मन ठीक रहेगा और व्याधियों से हम बचे रहेंगे, मगर उस लेवल पे हमारी प्रतिकूलता है या मानसिक स्तर पे नियंत्रण का हमारे जीवन का जो प्रतिशत है वो यदि कमजोर है तो क्या होगा, जो रोग है उसका सबसे पहला जो बीज बोया जाता है वो मन में मानसिक ढंग से सबसे पहले होता है, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद उस व्याधि के साथ यदि हम प्रतिकूलता के साथ जीते हैं, उसको मैनेज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसका शरीर पे असर पड़ने लगता है। तो वो मानसिक व्याधि जिसकी प्रतिकूलता के कारण हमारे शरीर पे भी असर होने लगा और शारीरिक रोग भी होने लगे जिसका आधार वो मानसिक विकार था, तो इस तरह की बीमारियों को कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोदैहिक विकार, रोग, जो भी आप नाम ले लें। जितने भी आजकल लाइफ स्टाइल्स के डिजीज हैं, जैसे तनाव आप ले लीजिए, तनाव
बहुत दिन तक है आपके साथ, आपके जीवन साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, आपको डायबिटीज होने की संभावना बनेगी, उसके बाद हार्ट से संबंधित बीमारी होने की संभावना बनेगी। जो लोग लगातार स्ट्रेस के साथ जीते हैं, फिर अल्सर हो जाएगा, फिर उसमें गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडनल अल्सर, जिस तरह का स्ट्रेस का लेवल है उस लेवल पे हो जाएगा, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा ढेर मस्कुलर डिसऑर्डर्स तमाम तरह के हैं, नर्वस सिस्टम्स के ढेर सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो मन में विकार आ गया या मानसिक ढंग से हम माइनस हो गए और उसका फिर बैड इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ने लगा, तो इस बीमारी को बोला जाता है, या इस तरह के बीमारियों के समूह को बोला जाता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। आज क्या है, इसकी मात्रा, इस बीमारियों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, और कोरोना काल में तो तमाम तरह के आंकड़े आए हैं इसमें, और खूब ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए, हमने क्या किया, समुद्र की गहराई नाप ली, उसका मैनेजमेंट जान लिया, चांद की ऊंचाई मान ली, नाप लिया, चांद तक हम पहुंच गए, सारे रॉकेट फला फला ग्रहों पर डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब चीजें हमने देख लिया, और रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन, तमाम मैनेजमेंट हमने कर लिया, मगर एक चीज में हम पिछड़ गए। पिछड़ इसमें गए कि लाइफ मैनेजमेंट कैसे होगा, जीवन का प्रबंधन कैसे होगा, इसके पीछे बिल्कुल हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया भर का प्रबंधन हमने सीख लिया, मगर जो मेन प्रबंधन था, जो मुख्य प्रबंधन था, जीवन प्रबंधन, उसको हमने सीखा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। जीवन जीने की कला, जीवन जीने का जो आर्ट है, उसको हमने सीखा ही नहीं। इसलिए 21st सेंचुरी में लाइफ स्टाइल डिजीज और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का भरमार है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाला, क्योंकि हमने अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लिया है, खाली हमने उपदेश देने तक अपने आप को सीमित कर लिया। योग ये कहता है, जो चीजें आप बोल रहे हो उसको खुद करिए पहले, उपदेशात्मक शिक्षा नहीं है योग, ये आसेवन पद्धति है, अपने अंदर उसको प्रयोग करिए, अपने अंदर उसको पहले अपना लीजिए, फिर दूसरों करने के लिए बोलिए। तो मैं समझता हूँ जो भारतीय संस्कृति या भारतीय जीवन दर्शन का जो उच्चतम प्रारूप है, मापदंड है, उसमें योग भी आता है। योग की जो जीवन पद्धति है उसको हम अपनाते हैं तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से काफी पार पा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य का, अपनी इम्यूनिटी का, और जीवन जीने में क्वालिटी ला सकते हैं, उत्कृष्ट जीवन ला सकते हैं। आजकल आप देखोगे, एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, आजकल किस तरह से लोग केवल उपदेश देते हैं, जैसे कोई लीवर का डॉक्टर है, मैं ढेर सारे लोगों को जानता हूँ, उसके पास रोगी जाता है तो अल्ट्रासाउंड और जो भी करा लिया, फिर कहा तुम्हारा लीवर बढ़ गया है, ऐसा नहीं, तुम कोई वाइन वगैरह लेते हो, तो कहेगा साहब बहुत लेते थे इसलिए तो दिक्कत हो गई। तो डॉक्टर बोलेगा कि ऐसा है, जीना है या मेरा इलाज लेना है, तो ये पीना वीना छोड़ दो, और शाम को डॉक्टर खुद पिएगा, तो इससे नहीं बनेगा। इसी तरह की लाइफ स्टाइल हमने अपना ली, इससे नहीं काम बनने वाला। हम लोग उपदेश देते हैं, सत्य बोलिए, प्राणायाम करिए तो ये लाभ होगा, आसन करिए तो ये लाभ, हम करते हैं कितना। तो जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो बताने वाला और करने वाला, यदि कोई सफरिंग में आदमी आता है किसी के पास, यदि वो खुद डायबिटीज का रोगी है, कुछ डिप्रेस है, कुछ एंजाइटी में है, तो दूसरे का एंजाइटी और डिप्रेशन क्या ठीक करेगा। तो योग में इन सब चीजों की मान्यता नहीं है, खुद आप फिट और फाइन रहिए। चूंकि हम योग के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम कहने के अधिकारी हैं, या कहने की मैं हिम्मत कर रहा हूँ, खुद फिट और फाइन रहें। फिर यदि आपके पास कोई इस तरह का बीमारी वाला या इस तरह के सफरिंग वाला साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स या फिजिकल डिजीज या मेंटल डिजीज का आता है, उसको आप गाइड करोगे तो उसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, डेफिनेटली अच्छा असर पड़ेगा। और यदि आप खुद फिट हैं, खुद फाइन हैं आचार विचार और व्यवहार के लेवल पे, तो आप जो कहेंगे उसका गहरा असर पड़ेगा जो सफरिंग में आदमी है, और अच्छा उसको लाभ मिलेगा। अगला मैंने पॉइंट्स दिया था, इफेक्ट्स ऑफ योगासनास ऑन ह्यूमन बॉडी। योग में, विशेषकर उधर हठ योग में या घेरण संहिता में, और ढेर सारे ऐसे आसन हैं,
जो शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे ढंग से प्रभावित करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अच्छे ढंग से प्रभावित करते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छे ढंग से प्रभावित करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को, स्केलेटन सिस्टम को। तो आजकल के समय में दो चीजें हैं, कोरोना से बचना एक चुनौती है और हमारे अंदर फिजिकल बीमारी ना हो या कोई मेंटल बीमारी ना हो उससे हम किस तरह से बचें। तो योग के जो आसन है, मैं नहीं कहता कि सारे आसन और सारे रोगों को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है, हर एक चीज की अपनी लिमिट है, मगर आसनों का हम अभ्यास करते हैं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक एक सिस्टम वाइज में जितना समय है उपलब्ध है उसमें बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो प्रभाव डालने वाले आसन है, जैसे वज्रासन है, धनुरासन है, भुजंग आसन है, पवन मुक्त आसन है, अर्धमर्त्येन्द्र आसन है, इन सब आसनों का अभ्यास करेंगे तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा बना रहेगा, गैस्ट्रिक जूसेज अच्छे ढंग से निकलेंगे, आंतों के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो अच्छे ढंग से होगा। इसका मैं डिटेल अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उतना समय मेरे पास भी नहीं है। उसके अलावा उधर बड़ी आंतों के अंदर जो वाटर साल्ट और म्यूसिन से संबंधित क्रियाएं हैं वो अच्छे ढंग से होती पाई गई हैं, ऐसे तमाम तरह के योग में रिसर्च है। तो पेट पे प्रभाव डालने वाले आसनों करेंगे तो गैस्ट्रो कोलिक रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छा बना रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि शरीर का डाइजेशन अच्छा है तो आप समझो आपकी 70-80% इम्यूनिटी यूं ही आपकी अच्छी बनी रहेगी, 100 में 70-80% इम्यूनिटी का जो दारो मदार है वो पेट पे डिपेंड करता है। आपका पेट ठीक है तो 70-80% आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना के संक्रमण से भी बचे रहेंगे और शारीरिक और मानसिक बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसके अलावा ऐसे योगासन जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभाव डालते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रभाव डालते हैं, उनका अभ्यास करेंगे तो जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, उनको प्रॉपर पोषण मिलेगा, प्लस ब्लड वेसल्स के अंदर कोई फॉरेन मैटर है तो वो उसका एक्युमुलेशन नहीं होगा। जैसे आजकल जो 21st century का है ना ये नियम कि लोग श्रम करने में शर्म करते हैं, तो ऐसे लोग क्या है उनके ब्लड पैसेज में बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है और बाद में ढेर सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, और फिर क्या होता है उस बीमारियों के साथ ही जीना हो जाता है और रोज 2-4-10 गोलियां खानी होती है। तो योग का अभ्यास करें तो हम अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, सर्कुलरी सिस्टम को अच्छा बनाए रख सकते हैं। योग के तमाम तरह के अभ्यास हैं जिनके अभ्यास से जो यूरिनरी सिस्टम है और जो यूरिन का फिल्टर होने वाला जो प्रोसेस जिसको नेफ्रांस बोलते हैं उसकी एक्टिविटी अच्छी बनी रहती है। यदि आप योगिक डाइट अच्छे लेते हैं, पानी उचित मात्रा में लेते हैं और तनाव में नहीं रहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीते हैं, तो योग का अभ्यास आप करते हैं तो जो नेफ्रॉन्स हैं उनका जो फिल्टर करने की जो क्षमता है वो प्रॉपर बनी रहती है, फिर यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन नीचे की तरफ आता है उसकी एक्टिविटी अच्छी होती है और पूरा यूरिनरी जो पैसेज है प्रॉपर अच्छा और प्योर बना रहता है, उसमें इन्फेक्शन की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम्स को अच्छा रखने के लिए तमाम तरह के योगिक सूक्ष्म व्यायाम हैं और तमाम तरह के योगासन हैं, उनका अभ्यास करेंगे तो अच्छा बना रहेगा। जॉइंट्स के लिए तमाम तरह का यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, यौगिक क्रियाएं हैं, उनका अभ्यास करेंगे तो जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स है अच्छा बना रहेगा, वहाँ किसी मॉर्बिड मैटर का एक्युमुलेशन नहीं होगा। तो इस ओवरऑल बिना दवाओं के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मेडिसिन के हम अपने शरीर को स्वाभाविक ढंग से परिशोधित बनाए रख सकते हैं, प्लस जो शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके काम को हम अच्छा बनाए रख सकते हैं, प्लस जितने भी 8-9 तरह के सिस्टम हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा, इससे है कि रिदमिक बना रहेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य और इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी तो शारीरिक और मानसिक रोगों के होने के कम चांस बनेंगे। इसके अलावा चौथा मैंने पॉइंट दिया था लंग्स एंड प्राणायाम। COVID-19 के दौर में दुनिया के ढेर सारे देशों में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें योग की तमाम तरह की विधियों का, प्रविधियों का, टेक्निक्स का, उपायों का अभ्यास न किया जाता हो, उसमें प्राणायाम भी एक महत्वपूर्ण है। विश्व के लोग, देश विदेश विश्व के लोग
इसके अब महत्व को लोगों ने समझा है और इसका अभ्यास कर रहे हैं, मगर मेरा ये कहना है कि जितनी जरूरत हो प्राणायामों के अभ्यास का उतनी ही करना चाहिए, चाहे वो आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं या उज्जायी कर रहे हैं, उद्गीत कर रहे हैं, भ्रामरी कर रहे हैं, भ्रस्तिका कर रहे हैं, या षटकर्मों में कपालभाति आता है, अब उसको लोग प्राणायाम बोलने लगे हैं तो मान लो उसको भी प्राणायाम या कपालभाति कर रहे हैं। यदि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिना आप कर रहे हैं तो आपको नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, इसलिए और जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी जिसकी आवश्यकता है या योग का विशेषज्ञ जितना रिकमेंड करता है उतना करेंगे तो खूब बढ़िया उसका लाभ, क्योंकि सभी व्यक्तियों का टेम्परामेंट अलग अलग है। जैसे आप कफ प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, जैसे कफ प्रकृति के हैं और आपने सूदिंग इफेक्ट डालने वाले प्राणायाम कर लिए, शीतली शीतकारी और इस तरह का, तो आपका तो कफ बढ़ गया ना, तो आपको तो एक दो और जो शारीरिक बीमारी हो गई हो जाएगी। और कुछ ऐसे प्राणायाम है जो वात को बढ़ा देंगे, तो यदि विशेषज्ञ सलाह से आपने नहीं किया या न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में या एक दूसरे से बातचीत करके सीख लिया तो वहाँ आपका वो बढ़ गया। पित्त बढ़ाने वाले तमाम तरह के प्राणायाम है। तो कहने का मतलब ये सबके शरीर की क्षमता अलग है, सबका प्रकृति अलग है, वेट अलग है, एज अलग है, तो उसी हिसाब से विशेषज्ञ की सलाह पे चीजों का अभ्यास करें तो काफी अच्छा होगा। जैसे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी पुरुषों में करीब 4600 ml के आसपास होगी, स्त्रियों में 3400 ml के आसपास होगी, तो दोनों लोग एक ही तरह का करेंगे तो नहीं है ना, नुकसान होगा ना। दूसरा, लोगों के अंदर ये धारणा आ गई है, हम लोगों ने ये सिखा भी दिया है कि जितना ज्यादा प्राणायाम करोगे उतना शरीर को लाभ है, ऐसा नहीं है। यदि प्राणायाम से संबंधित आपकी जो शारीरिक जरूरत है यदि 20 मिनट में पूरी हो जा रही है तो 21वीं मिनट करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आपको नुकसान होना है। यदि 30 मिनट में आपकी आवश्यकता पूरी हो गई तो 31वें मिनट नहीं करना है, 40 मिनट पूरी हो गई 41वें मिनट नहीं करना है, क्योंकि लंग्स के अंदर जैसे ब्रोंकियल ट्री है तो उसमें ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोली है, एयर सैक है, टाइडल एयर है, रेजिडुअल एयर है, कॉम्प्लीमेंट्री लेयर है, इंटरकोस्टल मसल है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, सबकी अपनी एक लिमिट है, सबके अपने काम करने के लिए एक लिमिट है। उस हिसाब से प्राणायामों का हम अभ्यास करते हैं तो काफी लाभ मिल सकता है। आजकल क्या है, लोगों ने खाली प्राणायाम के लाभ लोगों को बता दिया, ये भी बहुत खतरनाक चीज हो गई हमारे सामने। हमें क्या करना चाहिए था, इसके नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए था, उसके जो भी कारण हो, क्योंकि देखिए जहर ही औषधि है। कहने का मतलब ये है कि सही डोज आप लोगे तो आपको औषधि की तरह काम करेगा और ज्यादा ले लिया तो आपको नुकसान करेगा। और योग के सामने या योगा अभ्यासियों के सामने या प्राणायामों का जो अभ्यास है आगे, तो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। चुनौती इसलिए होने वाली है, हमने कुल सिखा दिया है कि जितना प्राणायाम करोगे उतना आपको लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा, इससे पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम या फला नर्वस सिस्टम इस तरह से प्रभावित होगा और आपको लाभ होगा, ये भी ठीक है, लिटरेचर वाइज बढ़िया है, बढ़िया सिद्धांत है, मगर हमने खाली इस शरीर के फेफड़े पे हम ध्यान दे रहे हैं और प्राणायाम करवा रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला, हम बहुत ही अंधेरे में हैं। देखिए, इस शरीर का फेफड़ा COVID-19 से बचाना है या किसी अन्य बीमारी से बचाना है तो शरीर का ये जो फेफड़ा है वो तभी ठीक रहेगा जब धरती का फेफड़ा ठीक रहेगा, और धरती के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े पेड़ और पौधे हैं, पेड़ और पौधों का अस्तित्व नहीं रहेगा तो ये शरीर का फेफड़ा कभी भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो प्राणायाम का अंधाधुंध जो अभ्यास है उस पे भी नियम के तहत, नियम क्या है उसको हम अपनाएं, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। अभी वर्ग साहब, हम पेड़ पौधे से हमारा क्या लेने देना, जितने भी लोगों को सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं, सबका कर्तव्य है कि पेड़ पौधे लगाएं। इसलिए भारतीय संस्कृति, चूंकि ये संस्कृत विषय का से संबंधित विद्वान लोग जुड़े हैं, संस्कृत विश्व की विलक्षण एक आदर्श भाषा है
और उसके अंदर जो जीवन दर्शन है, मैं समझता हूँ विश्व में ऐसा कहीं जीवन दर्शन नहीं। इस कल्चर में पेड़ को भी देवी देवता माना गया है। कितना ऋषि मुनि विद्वान लोग थे, और फला पेड़, पीपल के पेड़ को काटोगे तो वहां फला देवता रहता है, उसको काटोगे तो इस तरह का आपको पाप पड़ेगा। लोगों ने वर्जनाएं दी, इसलिए दी कि वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। तो इस तरह की मानसिकता हमें लानी पड़ेगी। हमने क्या किया, जंगल काट डाले, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। तो ये तो अभी कोविड आया है, आने वाले 2-3 साल में कुछ और आएगा और लगातार आता रहेगा। और फिर जो भी प्राणायाम हम करेंगे, तो यदि वातावरण में 18-20% के आसपास ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन होगी नहीं। तो हम लगातार करते रहे प्राणायाम, कोई लाभ होना है? तो इसलिए अपने सामाजिक कर्तव्यों को भी समझे हम, और किसी विशेषज्ञ की सलाह पे प्राणायामों का अभ्यास करें तो बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक प्रभाव शरीर पे पड़ता है, जिससे हम तमाम तरह के शारीरिक और मानसिक या यूं कह ले साइकोसोमेटिक बीमारियों से बच सकते हैं, और इस कोरोना क्राइसिस में इन्फेक्शन से अपने और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। मगर नियम के तहत चीजें करें तो और अच्छा रहेगा। अगला मैंने पॉइंट बताया था योगिक डाइट। देखिए, जो डाइट का कॉन्सेप्ट है या जो आहार का कॉन्सेप्ट है, वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से साइंटिस्ट ये बता देंगे कि इतना प्रोटीन आपको चाहिए, इतना वजन है तो इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना मिनरल्स, इतना विटामिन, फला 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 फला। तो इससे शरीर का ये जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, और इसको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाएगा। हालांकि सिद्धांत में है कि प्रॉपर पोषण मिलेगा, मगर यहाँ पे योग में ये कहा जाता है, जो मुख से आप जो खा रहे हो, ठोस पदार्थ, लिक्विड पदार्थ है, जो भी आप खा रहे हो, ये तो भोजन है ही, मगर इसके अलावा मस्तिष्क का भोजन है, कान का भोजन है, आँख का भोजन है, नाक का भोजन है। कितना ऋषि मुनि, योगिक परंपरा के लोग या भारतीय परंपरा के लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहा, ये जो द्रव्य या ठोस जो चीजें खा रहे हो, इसी से शरीर नहीं चल रहा है। आप जो चीजें खा रहे हो उसके साथ आपके, आपकी सोच किस तरह की है। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा ईर्ष्या और द्वेष में रहते हैं, और रोज अमृत पी रहे हैं, रोज घी पी रहे हैं, मगर उनको कभी शरीर पे लगना नहीं। इस तरह से अंदर हम अपने आप को इस तरह के ऐसे ऐसे हार्मोन्स उन स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, ज्वेलसी के कारण अंदर पैदा कर लेते हैं। वो जो भी अच्छी भी चीज खाओगे तो वो शरीर में लाभ नहीं देगा, और लाभ नहीं देगा तो हेल्थ का स्टेटस बढ़ेगा नहीं, इम्यूनिटी का स्टेटस बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जो उपनिषदिक व्याख्या है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो यदि साइकोसोमेटिक बीमारियों से या शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचना है तो अपने जीवन में सात्विकता लाना होगा। सात्विकता लाने के लिए फिर जो सात्विक आहार की जो अवधारणा हमारे भारतीय दर्शन में है या योग दर्शन में है, जो सात्विक आहार की जो अवधारणा है उसको अपनाना पड़ेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा हम तामसिक भोजन ले रहे हैं या राजसिक ले रहे हैं। तामसिक आहार लेंगे तो फिर हम साइकोसोमेटिक या दूसरी तरफ मानसिक बीमारियां रोक कैसे पाएंगे? गोली से थोड़ी बीमारी रुकेगी या टेबलेट और इंजेक्शन से थोड़ी रुकेगी। यदि हम तामसिक आहार ले रहे हैं तो हमारे शरीर में, हमारे अंदर तमोगुणों की वृद्धि हो रही है लगातार, और तमोगुणों की वृद्धि होने का मतलब हमेशा आप एंजाइटी, ज्वेलस, अहंकार इन सब में रहेंगे ही रहेंगे। और आप कोई गोली, टेबलेट और कोई ध्यान ये सब करने से नहीं जाएगा जब तक वो आहार आप सही नहीं करेंगे, या कोई आसन करने से भी नहीं जाएगा जब तक आप आचार, विचार और आहार, ये आहार आप सही करें जो मुख से ले रहे हैं, यहाँ पे अच्छे विचारों का उत्पादन करें, सकारात्मकता के साथ रहें, अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें देखें, प्लस जो भी आप सात्विक आहार ले रहे हैं, तब वो हमारे सतोगुणों की वृद्धि करेगा। और सतोगुणों की वृद्धि होने का मतलब एक हमें आनंद की अनुभूति होगी, और साथ में हम आसन करें, प्राणायाम करें और ये सब चीजों का अभ्यास करें तो हमारी सात्विकता बढ़ेगी, जीवन सात्विकता की तरफ आएगा, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं।
इसलिए मोटा मोटा कहना यह चाहता हूँ कि जो एल्कलाइन फूड है, क्षारीय जो आहार है, उसको 80% लेना आदमी शुरू करे, और जो एसिडिक फूड है उसकी तो बहुत कम जरूरत है, 15-20%। आज हम लोग क्या करते हैं, जो एसिडिक फूड है 80% लेते हैं, तो फिर ये इस तरह का खान पान भी बहुत ही बड़े स्तर पे शारीरिक और मानसिक बीमारियों का जन्मदाता है। फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बा बंद फूड, प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ फूड, ये सब आहार तो जीवन को जंग लगा रहे हैं। जीवन को जंग लगाने वाले आहार को छोड़ करके लिविंग फूड की तरफ हम आए, जीवंत आहार की तरफ आए, सात्विकता की तरफ हम आए, तो हमारा जीवन सात्विक होगा, सत्व गुणों की वृद्धि होगी, जिससे जीवन में आनंद आएगा, संपूर्णता आएगी। यदि अभाव है तो अभाव को भरने में मदद मिलेगी, जिससे संपूर्णता के साथ हम जीवन जीने के लिए अग्रसित होंगे, और शारीरिक और मानसिक बीमारियों से हमारा बचाव होगा, और तमाम तरह के जो भी इन्फेक्शन है उससे भी बचाव होगा। अगला मैंने पॉइंट दिया था षटकर्म। देखिए, योग में ये मान्यता है, योग प्राकृतिक चिकित्सा में ये मान्यता है कि इस शरीर को रोग मुक्त रखना है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे सामाजिक रोग हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो, यदि इससे दूर रहना है, शरीर को बचाना है, तो शरीर का लगातार परिशोधन होना चाहिए। शारीरिक परिशोधन के लिए योग में नेति, धौती, त्राटक, वस्ती, इस तरह के तमाम तरह के षटकर्मों की व्याख्या की गई है, जिससे शरीर, ये जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसके शोधन की बात की गई है। इसके अलावा जो मन पे नियंत्रण करने की तमाम तरह की विधियां, कुल शरीर को शोधित कर लीजिए, मगर मन नहीं शोधित है, या मन, दूसरे शब्दों में मन पे नहीं नियंत्रण है, तभी भी आप साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से नहीं बच पाएंगे, या शरीर की प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं सही होगी। तो इसलिए षटकर्मों के साथ ही साथ योग दर्शन में जो प्राणायाम का अभ्यास है, या जो आसनों का अभ्यास है, आपको जो भी योग प्रशिक्षक जो अनुभवी है या विशेषज्ञ है इसका, मुझे रिकमेंड करता है, तो उसको आप करें तो काफी लाभ होगा। थोड़ा सा एक मैं और इसमें सावधानी बता दूं, आजकल COVID-19 के रेफरेंस में कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-5 बार जल नेति का अभ्यास कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है आगे जाके, क्योंकि हल्का सा गुनगुना पानी में हम नमक मिला देते हैं तो हो गया नॉर्मल सेलाइन वाटर, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नजल कैविटी का म्यूकस मेम्ब्रेन, तो नॉर्मल सेलाइन वाटर वहां से नो डाउट जो भी पार्टिकल है उसको साफ कर देता है, और उसका रिफ्रैक्शन बहुत अंदर दूर तक जाता है। तो जो लोग बिना मतलब का, जरूरत नहीं है, और फिर भी ये रोज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और कई बार कर रहे हैं, जरूरत है तो जरूर करिए, खूब लाभ है इसका, जरूरत नहीं है तो ना करिए, और अपने को बैलेंस करके करिए, जितनी जरूरत है उतना करिए तो आपको जरूर लाभ होगा, आवश्यकता है ज्यादा करेंगे तो बिल्कुल नुकसान होगा। तो यहाँ पे ये चीज मेंशन करनी थी। अगला मेडिटेशन। देखिए, मैंने मेडिटेशन नाम या ये टर्म्स तो मैंने यूज कर लिया, मगर मेडिटेशन बहुत ही गहरा अभ्यास का एक क्रम है, समाधि से थोड़े से पहले की स्थिति है, समाधि से थोड़े से पहले की स्थिति। आजकल क्या है कि लोग समझते हैं कि आंख बंद करके बैठ गए और भी 20 मिनट आधा मिनट में बैठ गए आंख बंद करके तो ये मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन ये बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन के लिए 4-5-6 साल की बढ़िया अभ्यास चाहिए, तब ध्यान की तरफ हम आ पाएंगे, और प्लस हमको उस तरह का गुरु या उस तरह का विशेषज्ञ चाहिए जिसका खुद ध्यान लगता हो, खुद वो ध्यान को उपलब्ध हो, वो यदि हमें सिखाता है या उसके निर्देशन में हम कर रहे हैं तब ध्यान लगेगा। आजकल क्या है, लोग फला पद्मासन में बैठ गए या फला प्रैक्टिस करने वाले या मेडिटेटिव आसन पर आंख बंद कर लिया, और फिर उनका मन चला गया बम्बई या मन चला गया कलकत्ता, एक जगह है नहीं, तो आंख बंद करके और किसी आसन में बैठ जाना, किसी मुद्रा में, ये ध्यान बिल्कुल नहीं है। ध्यान तो धीस धातु से बना है, आप बाहर से अपने आप को अंदर कितना ले आ पाते हैं, और एक जगह निरंतर आप, जैसे तेल की धार होती है ना जो गिरती है एक लयबद्ध ढंग से, तो आप कितना एक जगह अपने आप को केंद्रित कर पाते हैं, विषयों से दूर होते हुए, अस्ते को अपनाते हुए,
प्रत्याहार आपको स्ट्रांग करते हुए, तब यदि आप ध्यान करते हैं तो ध्यान का जो वास्तविक लाभ है वो शरीर को मिलेगा। आजकल क्या लोग कर रहे हैं, कोविड से बीमार है तो उनको कहते हैं ध्यान करो। अरे बीमार आदमी कहाँ से ध्यान कर लेगा, जो स्ट्रेस में है उसको लोग कहते हैं ध्यान। अरे जो विक्षिप्त है, मानसिक ढंग से परेशान है, वो कहाँ से अपने आप को एकाग्र कर लेगा। तो ध्यान से संबंधित तमाम तरह की जो भी विपरीत चीजें समाज में आ रही हैं उनसे भी बचना चाहिए। और वास्तविक ढंग से यदि ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छे योग गुरु जिसका खुद ध्यान लगता हो या योग विशेषज्ञ जिसका खुद ध्यान लगता हो उससे आप अभ्यास करते हैं तो शरीर को बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढंग से लाभ मिलता है और शरीर का जो स्वाभाविक स्वास्थ्य है या संपूर्ण स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। केवल आंख बंद करके बैठ जाना ये कतई ध्यान नहीं है। तो इस पॉइंट्स को आप नोट कर लें, ध्यान में रखें तो काफी अच्छा रहेगा आगे के लिए। इसके अलावा मैं अब कंक्लूजन कर देना चाहता हूँ, काफी समय मैंने ले लिया। इस प्रकार से COVID-19 के समय में इसके इन्फेक्शन से बचना हो या शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचना हो तो योग के तमाम तरह के अभ्यास हमारे पंच कोशों का जागरण कर देते हैं, या दूसरे शब्दों में शरीर मन और आत्मा में सामंजस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिससे जीवन में समग्र स्वास्थ्य टोटल हेल्थ उद्घाटित हो जाता है और इष्ट पृष्ठभूमि में शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन या बीमारी होने की रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्रा जी के भी प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी मीठी वाणी तो हम लोगों को ऐसी यानी कि जो बातें थी वो ब्रिज भाषा की ब्रिज भूमि की जो भाषा है वो दिखने में छोटे छोटे वाक्य लगते हैं लेकिन वो मनुष्य के हृदय को पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार की आपकी सारी यानी कि ज्ञानवर्धक ये सारी बातें थी। और वर्तमान संकट के समय में मनुष्य को प्रतिकारक शक्ति या प्रतिकूलता में कैसे जीना चाहिए या विवेकशीलता बुद्धिमत्ता दृढ़ भावता के साथ मनुष्य को कैसे सामना करना चाहिए सारी बातें आपने बताई, और मन मस्तिष्क का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव कैसे डालता है और सामाजिक स्वास्थ्य कैसे बिगड़ जाता है और मनुष्य का स्वास्थ्य भी कैसे बिगड़ता है ये बातें आपके यानी कि व्याख्यान में यहाँ पर प्रकट किए। शरीर मन आत्मा और परमात्मा इन सभी लोगों का एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध है ये सारी बातें बताई। मनुष्य का अंतर्मुख और बाह्यमुख ये जो जीवन है वो किस प्रकार का है और चित्त शुद्धि मनुष्य के जीवन की जो जीने की एक कला है उस कला को कैसे यानी कि मनुष्य सही तरीके से पहचानना चाहिए और लाइफ मैनेजमेंट को सीखे बिना मनुष्य आगे नहीं जा सकता, और उसी के साथ साथ हठ योग का जो सिद्धांत है और जो भी मनुष्य मेडिसिन से बचने के लिए जो भी उपाय है वह सारी बातें आचार विचार आहार और यह सारी बातें आपने बहुत ही सरलता के साथ बहुत ही सहजता के साथ बहुत ही बोधगम्यता के साथ यहाँ पर प्रकट किए। सही मायने में हमारा यह जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्जालीय जो समारोह रहा और यह सार्थकता की ओर है और जो अंतिम हम पड़ाव पर है और अंतिम पड़ाव है जो इस समारोह का अध्यक्ष समापन है उसके पूर्व मैं सभी प्रतिभागियों से एक निवेदन करता हूँ कि कृपया कर जो लोग इस जूम ऐप पर ऐड है या इसमें सम्मिलित है वे लोग यानी कि फीडबैक लिंक हम मैसेज बॉक्स में भेज चुके हैं वो फीडबैक फॉर्म आप भर लीजिए ताकि आपको प्रमाण पत्र मिल सकता है। और जो यूट्यूब पर हम इस समारोह को देख रहे उन लोगों के लिए भी ये निवेदन है कि वे भी वहाँ पर फीडबैक भरे, और जो इस समारोह का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी यह लिंक भेजा गया है वहां पर भी आप सारे लोग यानी कि ये फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य है क्योंकि बिना फीडबैक भरे आपको प्रमाण पत्र यानी कि जनरेट नहीं हो सकता। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी लोगों से निवेदन करता हूँ विनती करता हूँ कि आप लोग यानी कि ये फीडबैक फॉर्म भरे और अंतिम पड़ाव और अंतिम छोर की ओर हम चले और जो इस समारोह का अध्यक्ष समापन है जिसके लिए हमारे महाविद्यालय के और हमारे वीरभद्र शिक्षा संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष जो इंजीनियर श्रीकांत जी पाटिल हंगरकर साहब यह कुछ तकनीकी कारण वह हमसे जुड़ नहीं पाए
बहुत यानी कि वह प्रयास किए, लेकिन वो हमारे साथ यानी कि इस अंतर्जालीय और अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद के लिए या चर्चा सत्र के लिए वह अपना कीमती समय यानी कि देना उनके लिए संभव नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही एक तकनीकी जीवन बन रहा है और तकनीकी के अधीन है हम लोग, और लेकिन सब लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए यह तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। इसीलिए मैं यानी कि जो अध्यक्ष समापन के लिए वह स्वयं तो जुड़ नहीं सके, लेकिन उनका मेल हम लोगों को मिल चुका है और उस मेल पर उनका एक अध्यक्ष संदेश हमें मिला है, जो हमारे महाविद्यालय के स्टाफ सेक्रेटरी है डॉक्टर दिलीप जी आहेर सर, जिनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे अध्यक्ष समापन के लिए जो अध्यक्ष जी का जो संदेश है वे यहाँ पर पठन करें। डॉक्टर दिलीप जी आहेर सर। डॉक्टर दिलीप जी आहेर सर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जोशी सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर जी। सर आहेर सर है, डॉक्टर आहेर सर? आहेर सर अभी तक तो थे, आएंगे कुछ पलों। मैं यानी कि तकनीकी सहायकों को विनती करता हूं कि उनको म्यूट करें। आहेर सर तुम्हीच तिकडून अनम्यूट करा आणि व्हिडिओ चालू करा। आहेर सर तुम्हाला विनंती आहे की स्वतःला म्यूट करा आणि व्हिडिओ ओपन करा। उनको अनम्यूट होने के लिए अगर दिक्कत हो रही है तो तकनीकी सहायकों से मैं बिल्कुल। आहेर सर अनम्यूट थे, एक रिक्वेस्ट जा रहा है उस पे क्लिक कर दें। आहेर सर आप अनम्यूट हो जाएंगे। जी जी जी, वीडियो भी ऑन था सर का। और जी जी अनम्यूट है आहेर सर, आप बोले सर। आप जी आप अनम्यूट भी हैं, आपका वीडियो भी ऑन है, आप वक्तव्य रखें सर। डॉक्टर आहेर सर अपन बोला था। डॉक्टर आहेर सर मुझे लगता है सर कि माइक में कुछ प्रॉब्लम होगी सर। जी जी, मैं डॉक्टर धनंजय काळेकर सर से निवेदन करता हूं कि वे उनसे यानी कि संपर्क करें तुरंत प्लीज। शायद अपनी आवाजें वहां तक नहीं पहुंच रही है उनके पास थी। शायद वही है, तकनीकी समस्या है, क्योंकि वर्तमान समय की भागदौड़ की जिंदगी में हर किसी की यानी कि जो जिंदगी है वो तकनीकी की जिंदगी बन गई और हर किसी का जीवन जो है ये कुर्चे की तरह बन गया। कुर्चा कब दब जाए और मनुष्य की जिंदगी भी कब गुल हो जाए, इस हालत में अभी हर इंसान जी रहा है। लेकिन ये हम कामना करते हैं कि इस अंतरजालीय सेमिनार से बहुत से लोगों को नव संजीवनी मिल सकती है और यह संजीवनी हमारे लिए एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन भी यानी कि वह उस समय उस काल में हम देखे, लेकिन इस समय में ऐसे ज्ञानवर्धक जो भी बूटियां है वह हम सभी लिए उपयोगी है। तो मैं पुनः एक बार आयोजक से निवेदन करता हूं कि कृपा कर डॉक्टर दिलीप जी आहेर सर से बात करें, या क्षमा चाहता हूं वो अगर मुझे अगर वो मैसेज भी अगर कर देंगे तो मैं पढ़ देता हूं। जी 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 वही अपेक्षा है। हाँ आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, कुछ दिक्कत। हाँ ठीक है ओके। जी ये छोटा सा संदेश है, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ जो अध्यक्ष समापन है। वीरभद्र शिक्षा संस्था संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय मुखेड़ और वैश्विक संस्कृत मंच के द्वारा आयोजित यह जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्र जो समारोह संपन्न हो रहा है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम जो हमारे महाविद्यालय के कुशल प्रधानाचार्य डॉक्टर एस बी अड़किने सर, जिनका सहृदय पूर्वक मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वह एक कुशल सारथी की तरह कार्य कर रहे हैं और जिसके कारण यह
समारोह संपन्न होने जा रहा है और हमारे महाविद्यालय को चार चांद लग रहे हैं और यथा समय हमारे महाविद्यालय में नित नए नए प्रयोग आप यानी कि यह संभव हो रहे या संभव कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपने जो कोई भी कदम उठाते हैं उस कदम में एक समाज का हित है और शैक्षिक हित है Hello? और छात्रों का और पाठकों का और उसके Hello? साथ साथ सारे लोगों का जो हित उसमें समाहित है, जिस समाहित को लेकर आप नित नए नए प्रयोग करते हैं, यह आविष्कार समाज के लिए एक प्रेरणादायी है और यह प्रेरणा मनुष्य को जीवन जीने की एक नया ललक, एक नया भाव प्रकट करता है और पुनः एक बार मैं यानी कि आप कुशल सारथी है और इसीलिए पुनः एक बार डॉक्टर एस बी अड़किने सर मैं आपका यानी कि अभिनंदन करता हूँ और दूसरे जो इस जो अंतरजालीय अंतरराष्ट्रीय जो सेमिनार रखे है जो डॉक्टर गणंजय काळेकर सर हेलो जो पिछले अनेक बार और अंतरराष्ट्रीय जो परिषद वो आयोजित किए हैं और कुशलता पूर्वक वो कार्य किए हैं और यह भी कार्य वो कुशलता पूर्वक किए हैं और इसीलिए डॉक्टर गणंजय काळेकर जिनका यानी कि अभिनंदन करता हूँ और वो अभिनंदन के सही पात्र है क्योंकि उनका कार्य ये बहुत विशाल है। आज केवल वह एक अपने राज्य तक सीमित नहीं, महाविद्यालय तक सीमित नहीं और विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं तो पूरे वह राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय यानी कि विश्व तक उनका संदेश जाता है और उनका एक स्नेह और एक ऋण एक संबंध है जिसके कारण यह सारी बातें संभव हो रही है और इसीलिए मैं डॉक्टर गणंजय काळेकर जिनका यानी कि सरदयता पूर्वक अभिनंदन करता हूँ और उनके संयोजन समिति में जितने भी लोग है उन सभी लोगों का मैं पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ और वह सारे लोग यानी कि अभिनंदन के पात्र है और महाविद्यालय के जितने भी लोग है वह सारे लोग इससे जुड़ने वाले और प्रतिभागी और उसी के साथ साथ जो इस यानी कि वैश्विक संस्कृत मंच के महाराष्ट्र प्रांत के सारे जो पदाधिकारी या उसके साथ साथ जो सलाहकार है डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी और उसके साथ साथ जो सबसे प्रमुख बात है जिनका स्नेह हमारे महाविद्यालय पर सबसे अधिक है और उसी के साथ साथ यानी कि वैसे तो कुशल प्रशासक है उनका स्नेह तो सारे विश्वविद्यालय पर है लेकिन हमारे महाविद्यालय में नित नए नए प्रयोग होते हैं और जिसके कारण हमारे सारे जो समारोह का जो लेखा जोखा उनके सम्मुख होता है और ऐसे जो हमारे परम जो स्नेही मित्र एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय अंतरजालीय चर्चा सत्राचे समारोह प्रसंगी वीरभद्र शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्रीकर साहेब यांनी जो काय शुभ संदेश पाठवलेला आहे ग्लोबल संस्कृत फोरम महाराष्ट्र प्रांत वीरभद्र हॅलो हा जोशी सर सर तुम्ही म्यूट होऊन जा हॅलो हा सर तुम्ही म्यूट व्हा तुमचा आवाज बंद करा सर ते माईक बंद करा प्लीज आयर सर सर जी जी मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि सर हमसे अभी जुड़ चुके हैं अभी से आरंभ हो रहा था क्षमा चाहता हूँ और कोई नहीं सर तो रखने दीजिए जी जी सर हो गया अभी जो इस समारोह के लिए उद्घाटक के रूप में डॉक्टर जोगिंद्र सिंह बिशेन जी सर है प्रकुलगुरु स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के जिन्होंने समय बहुत ही निकाल कर हमारे महाविद्यालय के सभी समारोह में उनका योगदान रहता है। मैं संस्था का अध्यक्ष के रूप में उनको यानी कि मैं अभिनंदन तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसे ही उनका स्नेह प्रेम हमारे साथ जुड़कर रहे और मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस से जुड़ने वाले डॉक्टर श्री राधा किशन जी है डॉक्टर सोमलता झा जी है डॉक्टर अमरजीत यादव जी है इन सभी जो महानुभावों को पुनः एक बार महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं संस्था की ओर से उनका यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में इसी प्रकार जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में योगदान देने वाले सारे लोग
ऐसे हमारे जो नित नए नए जो उपक्रम है, योग कार्य है, उसमें आप जुड़ कर रहे, और हमारे जो संस्था के जो सारे लोग है, पदाधिकारी है, वो सारे पदाधिकारीगण अपना यानी कि अनमोल समय निकाल कर इस यानी कि अनम्यूट योरसेल्फ सर। हेलो, एकलारी जी आप अनम्यूट कीजिए। शुड आई स्टार्ट पेइंग वर्ड ऑफ थैंक्स? जी सर, वोट ऑफ थैंक्स स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। जी मित्र, एक मिनट। हाँ, शांति मंत्र घेऊया। शांति मंत्रासाठी शांति मंत्र गाइड करता सर कालेकर सर, आदरणीय सर वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए कह रहे हैं। वोट ऑफ थैंक्स, वो पहले शांति मंत्र की बात कर रहे हैं, उसके पश्चात वोट ऑफ थैंक्स दिया जाएगा। नहीं नहीं, शायद पहले वोट ऑफ थैंक्स देन आफ्टर शांति मंत्र। हाँ चलेगा, ठीक है। हाँ, वैसे ही करेंगे। ओके ओके सर। सिंस दिस इज एन इंटरनेशनल, एक सेकंड सर, सिर्फ एक लाइन है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, महाविद्यालय की ओर से उनका स्वागत करता हूं, और पुनः एक बार सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं यहां रुकता हूं, धन्यवाद। ओके, और मैं इस समारोह के आभार प्रदर्शन के लिए आभार प्रदर्शनार्थ आवयामी डॉक्टर प्रसाद जोशी महोदया, हेलो सर, आंग्ल भाषा विभाग प्रमुख तथा IQSE कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रसाद जोशी सर, इनसे निवेदन करता हूं कि आप यहां पर आभार प्रदर्शन करें। थैंक यू डॉक्टर एक्लारे सर। सिंस दिस इज एन इंटरनेशनल वेबिनार, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू पे वोट ऑफ थैंक्स इन इंग्लिश। This webinar was indeed useful and interesting international webinar on the role of yoga in the treatment of psychosomatic problems, collaborated on behalf of Veerbhadra Education Society's Mahatma Jyotiba Phule Mahavidyalaya Mukked, Sanskrit Department and Global Sanskrit Forum Maharashtra Prant. I feel fortunate to pay my in-depth thanks to Pro Vice Chancellor Honorable Jogendra Singh Ji Bisen Sir of Swami Ramananda Tirtha Marathwada University Nanded, who has guided and graced this webinar with his in-depth knowledge in Sanskrit and Hindi as well. Thank you, Dr. Bisen Sir. I also heartily thank to the President of Veerbhadra Education Society, Honorable Sri Srikant Patil Hangarikar Sir, for his valuable inspiration and support. Also, I extend my thanks to Honorable Sri Subhashappa Shivpuja Sir, Vice President, Veerbhadra Education Society. Also, I'm thankful to Secretary of Veerbhadra Education Society, Shri Ranjit Patil Hangarikar Sirji, Co-Secretary Shri Shankar Rao Ji Basapure Sir, Treasurer Shri Omkarappa Matpati Sir, who all have spared their valuable time and encouraged for organizing this webinar. My in-depth thanks to the principal of my college, that is MJP College Mukked, Dr. Shivanand Adkine Sir, for his continuous encouragement and support to organize such webinars successfully. I also heartily thank to the chief speakers of this international webinar, who all have contributed and delighted all of us with their immense knowledge. Respected Dr. C. Radha Kisun Sir, he attended this seminar from farthest Mauritius and elated all of us with his speech. Dr. Somalata Jha, who have really distinguished between what psycho and what soma, and interrelated these two with physical and mental illness and the curing authority of yoga over these problems of psychosomatic disorders. Thank you, Dr. Somalata Jha, ma'am. Also, I am highly thankful to Dr. Amarjit Yadav, sir, who has unfolded all the insightful, you know, gist of what the diseases and how they are to be cured along with the assistance of yogic attitude in human life. I am highly thankful to Dr. Rajesh Kumar Mishra, sir, the Secretary of Ministry of Culture, Government of India, for his valuable time and countless support. It is my pleasure to thank and congratulate the head of the Department of Sanskrit of my college, that is MJP College Mukked, Dr. Gananjay Kahalekar, sir, who made this webinar a great success. I also extend my thank to the Global Sanskrit Forum core committee members,
प्रोफेसर राजश्री राठौड, डॉक्टर विनय कुमार उपाध्याय, प्रोफेसर प्रमिला बोलकर, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डॉक्टर प्रशांत बिरादार, डॉक्टर योजना कौलवार, डॉक्टर बंसी लवाले, डॉक्टर मंजूश्री, डॉक्टर शैलेश पवार, मिस पीयूषा नाइक एंड डॉक्टर आनंद रत्न पारखे. I also extend my thanks to Dr. Kirtiratna Hathode of English Department of my college and Office Superintendent, Honorable Mr. S.K. Suryavanshi sir, for their incessant cooperation to make this webinar a success. I'm also thankful to Dr. Chandrakant Eklare sir, who anchored this webinar very effectively and very successfully. I also thank to all the participants from all over India and abroad, and feel assured that they got invaluable therapeutic ideas over psychosomatic disorders that are being faced during this COVID-19 pandemic. Last but not the least, I thank all those who truly wished and supported for this webinar to be successful. Thank you all. Thank you very much. Have a great time ahead. Thank you so much, Dr. Prasad Joshi sir. अभी अंतिम हिस्सा जो है इस समारोह का शांति मंत्र वाला, जो शांति मंत्र गायनार्थम देशपांडे दत्तात्रेयाय एवं कुलकर्णी योगेश निवेदयामी. कृपया आपसे निवेदन है देशपांडे दत्तात्रेय जी और कुलकर्णी योगेश जी, आप दोनों शांति मंत्र यहाँ पर पठन करें. हरि ओम. संगच्छद्वं संवदद्वं संवोमनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रस्समीति समानी समानं मनस्सहजित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्रयेव समानेन वोहविषाजुहोमि समानी वाकुदिस्समाना हृदयानि वहा समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहा सति. ओम शांति शांति शांति. ओम.